तो वेलकम बैक टू स्ट्रीम अल-फ़ज़ल ज़ी स्पोर्ट्स लेवल अप सीरीज ग्रैंड फाइनल्स के मैच में आप सबका स्वागत है गाइस। मैच वन हैज बिगन, टॉप 17 टीम्स एंड 65 प्लेयर्स आर अलाइव राइट नाउ। एंड गाइस ऑन द अदर हैंड आप लोग देख सकते हैं प्लेन पाथ काफी ज्यादा नॉर्दर्न टू ईस्टर्न साइड पे रहने वाला है। सो रोटेशनल फाइट्स, कंपाउंड क्लैशेस, गन फाइट्स एंड इवन हॉट ड्रॉप क्लैशेस भी हमारे टीम्स के बीच बनते हुए दिखा देंगे। ईच एंड एवरी टीम विल ट्राई फॉर दियर बेस्ट गेम प्ले। कोई भी टीम आज अपना हल्का सा भी अर्ली स्टेज पे एलिमिनेट होने नहीं देना चाहेगी। एंड इट्स द फर्स्ट मैच तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टीम विल ट्राई टू कैपिटलाइज अ बिट डिसेंट पॉइंट्स। एंड एज यू कैन सी क्लियर पॉइंट्स कैपिटलाइज करने के हमारे जरूर ट्राई करते हुए दिखा देंगे। पोजिशन पॉइंट्स एंड इवन किल पॉइंट्स एंड प्लेन पाथ काफी ज्यादा सेंट्रलाइज रहेगा, तो ईच एंड एवरी टीम हैव एन एडवांटेज। वो लोग अपने फेवरेट हॉट ड्रॉप्स पे जंप कर सकते हैं, फेवरेट हॉट ड्रॉप्स पे जंप करके डिसेंट एंड बेसिक लूट भी कैपिटलाइज करी जा सकती है। एंड गाइस अभी के लिए हमारा सबसे पहला हॉट ड्रॉप है जहाँ हमारा क्लैशेस देखने को मिलेंगे, दैट इज नोवर अपना एंड पुचिंग की। नोवर अपना एंड पुचिंग की पे प्रॉपर 4v4 के क्लैश हमारा बनते हुए दिखा देंगे। आरपीजी स्पोर्ट्स वर्सेस आरएनटी के प्लेयर्स के बीच इट्स गोना बी अ 4v4 सिनेरियो एंड पुचिंग की पे क्लैशेस भी हमारा बिल्कुल इनिशिएट होते हुए दिखा देंगे। एंड स्क्वाडम 5v16 आरपीजी के प्लेयर्स के बीच एक 4v4 का हमें एक प्रॉपर फाइट एंड एक प्रॉपर क्लैश बनता हुआ दिखा देगा दोनों ही टीम्स के बीच में। एंड दोनों ही टीम्स हमें डिसेंट एंड बेसिक लूट कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया एंड डिसेंट एंड बेसिक लूट कैपिटलाइज करने का दे विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ। एंड आरपीजी स्पोर्ट्स के जॉनी एंड आरपीजी स्पोर्ट्स के बाकी के प्लेयर्स अगले मैं थोड़ा बहुत फॉल बैक जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फॉल बैक करने दे विल ट्राई टू कैपिटलाइज अब डिसेंट एंड बेसिक लूट एंड डिसेंट एंड बेसिक लूट कैपिटलाइज करने के बाद ही दोबारा मैं फाइट्स में इनिशिएट होते हुए दिखा दे सकते हैं। टॉप 16 टीम्स एंड 61 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव। ईस्टर्न साइड की टीम्स ने सेंट्रल साइड पर बिकला रोटेशन करनी बिल्कुल स्टार्ट कर दे जोन के बिल्कुल सेंटर पर। पुचिंग की पे स्क्वाड नंबर 24 रॉयली स्पोर्ट्स वर्सेस स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स के बीच में एक प्रॉपर 4v4 क्लैश बनता हुआ दिखा देगा। किसी से कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअलिटीज बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। एंड बोथ ऑफ द टीम्स आर रेडी फॉर देयर फर्स्ट फाइट एंड देयर फर्स्ट क्लैशेस राइट नाउ। एंड ऑन दी अदर हैंड एज यू कैन सी स्क्वाड नंबर 24 के आरएनओपी एंड आरएनओपी के प्लेयर्स ने सदर्न वेस्टर्न साइड के एनिमीज को स्पॉट आउट जरूर कर लिया है, बट स्टिल एज यू कैन सी रे ने बिकला फॉरलॉन को डाउन कर दिया है। एंड रॉयली स्पोर्ट्स के फॉरलॉन इज ऑलरेडी डाउन राइट नाउ। किलर एंड बालक ने एनिमीज को स्पॉट आउट कर दिया है। आरपीजी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर बिकला में एक और ग्रेनेड करते हुए दिखा देंगे। एंड रॉयली स्पोर्ट्स के बालक इज डाउन 30 HP हेल्थ राइट नाउ। एंड ओके एज यू कैन सी समय को 1 HP डाउन कर दिया, बट स्टिल बालक अपनी टीम के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल पाएंगे एंड ना ही एंट्री फ्रैक कर पाएंगे। आरपीजी स्पोर्ट्स के यश को पर अभी क्लैंप फ्री फायर देने की ट्राई कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो 4 लॉन का किलर वो हम इजीली कंफर्म करते हुए दिखाएंगे। बालक किलर एंड आरएनओपी के लिए अकेले ही फाइट इनिशिएट करना एंड अकेले ही एनिमीज को एलिमिनेट करना एक काफी ज्यादा बड़ा टास्क बन जाता, तो वही सेम टू सेम सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है टीम्स के बीच में। ओके यश को अभी प्लान डाउन करने का मैं ट्राई जरूर करते हुए दिखा देंगे। आरपीजी स्पोर्ट्स यश ने ओके यश ने आज गलती किलर को भी आई इजीली डाउन कर दिया। रे एंड सो में आर लास्ट के ऊपर सर्वाइविंग ऑफ द टीम सो में इज डाउन विद ओनली 70 HP बट स्टिल सो में ने 1 HP हेल्थ पे आरएनओपी को डाउन करा एंड आरएनओपी का किल भी कंफर्म कर दिया, फॉर लॉन का किल भी कंफर्म कर दिया एंड सो में ने बैक टू बैक 2 किल्स एंड 2 फिनिशेस हासिल कर लिया। टीम के समय की टीम टीएसएस डाउन राइट नाउ। सोमे इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ हिज टीम। मार्क्स एंड डॉन को एज यू कैन सी एंटिटी स्पोर्ट्स के डार्क लॉर्ड को डाउन कर दिया, बट ऑन द अदर हैंड मार्कस डॉन इज डाउन राइट नाउ। बिलियन ओम इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ हिज टीम विद ओनली एंड ओनली 50 HP एंड बिलियन ओम के ऊपर एक परफेक्ट ग्रेनेड आएगा एंड जी लॉस ने अपने किल कंफर्म कर दिया। एंटिटी के प्लेयर्स ने 4 किल्स एंड 4 फिनिशेस हासिल कर लिया विदाउट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी। टॉप 15 टीम्स एंड 52 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव राइट नाउ। रॉयल
ई स्पोर्ट्स के बालक एंड किलर, रुकने वालों में से नेरेंगे किलर इज डाउन राइट नाउ। बालक बालक ने स्पॉट आउट कर लिया सौम्य को, बट स्टिल बालक इज ट्राइंग हिज बेस्ट राइट नाउ एंड स्क्वाड नंबर 24 के किलर का जो किल है वो हम इजीली कंफर्म करते हुए दिखा देंगे। यस यस इज आल्सो डाउन एंड यस एंड टीममेट समय ने एक परफेक्ट ग्रेनेड करा एंड रॉयल ईस्पोर्ट्स के चारों प्लेयर्स को इजीली एलिमिनेट कर दिया टॉप 14 टीम्स एंड टॉप 14 टीम्स के साथ ही साथ 49 प्लेयर्स भी हमें बिल्कुल अभी लाइव देखने को मिल रहे हैं एंड पुचिंग की पे अभी भी हमें जरूर 4v4 का क्लैश ओके आरपीजी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वर्सेस स्क्वाड नंबर 7 के प्लेयर्स के एक जरूर क्लैश बनता हुआ दिखा दे सकता है। बोथ ऑफ द टीम्स आर ready for their first fight and their first clashes right now and on the other end of the eastern side okay but farm and even okay farm wali area pe my fights bilkul initiate hote hue dikha rahe hain farm and gut ka true false is the last player surviving of his team true false ke teammate shannu shantanu is down right now and true false unfortunately apne teammate ko to cover bilkul bhi nahi de payenge but still true and false will try their best right now halka fulka bhi kalma northern side pe रोटेशन करते हुए दिखा देंगे एंड नॉर्दर्न साइड पे रोटेशन करने के बाद ही विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ बट लेट्स सी उनके लिए कितना ज्यादा इजी रहता है नीम्बिस के साथ फाइट लेना एंड इतने ज्यादा अर्ली स्टेज पे चारों के चारों प्लेयर्स की कैजुअलिटीज दे दिया तो एक सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करना भी उनके लिए कितना ज्यादा ईजी रहता है दैट इज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ। सो वही सेम टू सेम हमारे सिनेरियो टीम्स के बीच में जरूर बनता हुआ दिखा दे रहा है एंड नाउ ट्रू फॉल्स ना बिकले फॉल बैक करना भी एक्चुअली रोटेशन करनी स्टार्ट कर दिया रोटेशन करें एंड रोटेशन करने के बाद ही ट्रू एंड False will try their best right now and as you can see true and false are heading directly towards the northern side of the zone continues to become northern side pe rotation karte hue dikha rahe hain northern side pe rotation karne ke baad they will try to do a comeback but still teen kills and teen finishes apne team ke naam zarur kar rakhe hain and true false ne squad number 13 ke players ke upar unfortunately closing kar diya and true false ke jo vest hai that is 100% damage right now 100% vest damage ke baad ek fight lena bahut hi zara next time possible ban jata hai frozen versus true and false it's gonna be a 1v1 scenario and frozen ki baat kare frozen enemies ko bhi class spot out to zarur kar liya but still enemies ko down bilkul bhi nahi kar payenge and frozen ki baat kare it's gonna be a 1v1 scenario kisi baaz koi advantage disadvantage ya casualties nahi rahenge and dono players are ready true false ko bhi class spot out karne ki try karenge but apna true false ne jo apni rotation hai wo bhi class easily complete kar liya now true false is okay but as you can see true false ko backstab ka samna karna pad right and true false is down the only and only legit 5 HP health ke sath abhi clan fight lena unke liye bahut hi ek zyada next time possible cheez hai again true false ko okay as you can see 8v4 ke beast na abhi clan easily closing kar and beast ne apna किल भी इजिली कंफर्म कर दिया सोल गोब्लिन हेक्टर एंड बीच तीनों के तीनों प्लेयर्स ने आज सी एनिमीज को स्पॉट आउट कर लिया बट स्टिल टीम सोल के लिए लेट से अभी कितना ज्यादा इजी रहता है एनिमीज को एलिमिनेट करना दैट इज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ। गोब्लिन की नजर अभी एनिमीज को बना बिल्कुल रहने वाले बट स्टिल एनिमीज को अभी चाह कर भी डाउन नहीं कर पा रहे सो दैट इज रियली रियली डिज बेनिफिशियल फॉर देम बट स्टिल रुकने का ना बिल्कुल नहीं लेंगे एनिमीज को स्पॉट आउट कर लिया इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब एनिमीज को ऊपर मैं क्लोजिंग करते हुए दिखाई देते हैं लेट से एनिमीज ऊपर क्लोजिंग करना उनके लिए कितना ज्यादा इजी रहता है ओके छोटा चेतन को इजीली स्पॉट आउट कर लिया बट बिफोर दैट ऑन द अदर एंड गोब्लिन इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 5 HP ओके छोटा चेतन के ऊपर हमारा क्लोजिंग जरूर करते हुए दिखा देंगे उनका किल कंफर्म करने के हमारे ट्राई करते हुए दिखा दे रहे हैं बट आज यू कैन सी एनिमीज को एलिमिनेट करना ऑब्वियसली उनके लिए इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा ना गोब्लिन हेक्टर एंड बीस्ट तीनों के तीनों प्लेयर्स आर फॉलिंग बैक फॉल बैक करते हुए दिखा देंगे एंड फॉल बैक करने के बाद ही दे विल ट्राई टू डू अ क्लच टॉप 12 टीम्स एंड 39 प्लेयर्स आर आल्सो लाइव 8v8 स्पोर्ट्स के बीच ने सिम्प को इजीली डाउन कर दिया एलएसी स्पोर्ट्स के सिम्प को डाउन करा जाएगा एंड सिम्प का किल कंफर्म करने का मैं ट्राई करते हुए दिखा देंगे बट बिफोर दैट सोल गोब्लिन हेक्टर एंड बीस्ट की नजर है स्क्वाड नंबर 17 के प्लेयर्स के ऊपर भी यहां बिल्कुल रहने वाले हैं नाउ स्क्वाड नंबर 17 वर्सेस स्क्वाड नंबर 3 ओके एज यू कैन सी एंजाइटी एंड किडो 2 ओपी ने स्क्वाड नंबर 3 सोल के प्लेयर्स को इजीली स्पॉट आउट कर लिया बट स्टिल सोल के प्लेयर्स को डाउन करना एंड सोल के प्लेयर्स का किल कंफर्म करना इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा नाउ एंजाइटी
एंजाइटी एंजाइटी अभी तुम्हें एक और ग्रेनेड करते हुए दिखाई दे रहा है एंड एंजाइटी इज ट्राइंग टू ओके इज बेस्ट राइट नाउ एट बीटी स्पोर्ट्स के बेस्ट ने किडो टू ओपी को डाउन कर दिया. एंजाइटी इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 20 एचपी हेल्थ बचते बचाते कवर में आ जाएंगे. किडो टू ओपी इज डाउन राइट नाउ. एंजाइटी इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ टीम एंड टीम सोलो विक्ट में डायरेक्टली क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है एंजाइटी के ऊपर एंड एंजाइटी ओके गाइस एंजाइटी इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 1 एचपी हेल्थ एंड 1 एचपी हेल्थ के साथ क्लच करना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट टाइम पॉसिबल रहेगा. अपनी हेल्थ किट अभी क्लैप पॉप आउट कर लिया, हेल्थ रिकवर कर लिया. सोल ईस्पोर्ट्स के हेक्टर इज हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स मैन ओके गॉब्लिन गॉब्लिन को स्पॉट आउट करा बट सोल ईस्पोर्ट्स के हेक्टर ने इजीली अपने किल्स कंफर्म करा एंड टीम सोल ने बैक टू बैक दो टीम्स को एलिमिनेट करते हुए 8 किल्स एंड एक्चुअली 7 किल्स एंड 7 फिनिशेस हासिल कर लिया. सुपर सुपर डोमिनेटिंग अग्रेसिव एंड कमेंडेबल गेम प्ले बाय टीम सोल. बट गाइस अभी क्लैन फॉर्चुनेटली टीम सोल अभी क्लैन में कहीं ना कहीं ओपन में फंसते हुए दिखाई दे रहा है. एज यू कैन सी टीम सोल के एक प्लेयर अभी क्लैन अमित को पहले से एलिमिनेशन मिल रखा है. गॉब्लिन गॉब्लिन इज ट्राइंग हिज बेस्ट राइट नाउ बट गॉब्लिन को अभी क्लैन 30 एचपी डाउन कर दे. गॉब्लिन बचते बचाते कवर में जरूर आ जाएंगे बट स्टिल गॉब्लिन के लिए अकेले फाइट लेना एंड अकेले एनिमीज को एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल रह सकता है. ऑन दी अदर हैंड गॉब्लिन गॉब्लिन कवर में आ जाएंगे. हेल्थ किट अभी क्लैन पॉप आउट कर लिया. फ्रोजन फ्रोजन को स्पॉट आउट करें. फ्रोजन इज ऑलरेडी दी लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ टीम एंड एज यू कैन सी जोकर जोकर ने जेनो 25 को एक्चुअली डाउन कर दिया एंड जेनो 25 के प्लेयर्स को एज यू कैन सी किल कंफर्म करना उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल भरा जरूर रह सकता है. And on the run, Goblin Goblin is trying his best. Squad number 23 के players को मैं easily spot out कर लिया. But before that, Goblin Hector and Beast अभी के लिए हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं eastern side पे अभी के लिए rotate करते हुए दिखा देंगे. Top 11 teams and 34 players are still alive right now. And Goblin, as you can see, OP Esports के spicy को अभी के लिए finally down कर दिया. Ninja 4 criminal OP and Ninja, as you can see, last के तीन players रहेंगे. अपने teammate को revival देना उनके लिए काफी ज़रा easy तो कहीं ना कहीं रह सकता. But after giving revival एनिमीज के ऊपर उनको क्लोजिंग जरूर करनी पड़ेगी एंड उसके बाद दे विल ट्राई टू कंफर्म देयर किल. प्रिंस ओरिजिनल ने गॉडल ईस्पोर्ट्स के पावर को डाउन कर दिया एंड गॉडल ईस्पोर्ट्स के पावर का आई थिंक सो मैं किल भी कंफर्म करने की जरूर ट्राई करते हुए दिखा रहे हैं. बट स्पाइसी का हेलमेट 100% डैमेज रखा है एंड 100% डैमेज होने के बाद एज यू कैन सी अभी के लिए फाइट लेना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रह सकता है. Top 9 teams and 27 players are still alive. Spicy Calamity is 100% damage right now. Northern side teams ne eastern side pe rotations abhi kya bilkul start kar de. Zilos esports ke last okay. Zilos is the last player surviving of team RPG esports ke Yash and Somme ke against abhi kya Zilos ko akele hi ek single handedly solo versus duo clutch and okay abhi kya Zilos ke upar squad number 18 ke Yash and Somme ne ek saath abhi kya closing kar de. Squad number 18 ke Somme ne Zilos ke upar na closing kari and closing karke easily apne kills bhi confirm kar liye. Top 17 teams and 24 players are still alive. एंड समय एंड यश ने 5 किल्स एंड 5 फिनिशेस हासिल कर लिया विद 2 प्लेयर्स की कैजुअलिटीज. Fight and
बैक टू बैक दो किल्स को एलिमिनेट करके सिक्स किल्स एंड सिक्स फिनिशेस भी इजीली हासिल कर लिया स्क्वाड नंबर 5 आरएनटी के प्लेयर्स ने। टॉप 16 टीम्स एंड 22 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव। फोर्थ जोन श्रिंकिंग करना स्टार्ट हो चुका है। जोन के अभी क्लाइंब बिल्कुल सेंट्रल साइड पे एज यू कैन सी एसएमआर के प्लेयर्स वो से स्क्वाड 14 के। ओके सूर्य इज ऑलरेडी डाउन। बीबी स्पोर्ट्स के नो लव इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 5 एचपीएल। बचते बचाते कवर मारने के ट्राई करेंगे बट स्टिल बीबी स्पोर्ट्स के नो लव के लिए अकेली फाइट लेना होगा स्क्वाड 14 के प्लेयर्स ने स्पॉट आउट करा बट कर्स गॉड ने नो लव का खेलना इजिली कंफर्म कर दिया एंड अपनी टीम के लिए एक एंट्री फ्रैग भी जरूर कर दिया। आरएनटी के प्लेयर्स ने फाइट्स की साउंड उनको आप बिल्कुल आ चुके तो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे। जहां से भी फाइट्स के साउंड आ रहे हैं वहीं हमें आज डायरेक्टली क्लोजिंग भी जरूर करते हुए दिखा दिया। रुकने वाली टीम में से बिकला बिल्कुल भी नहीं है। बैक टू बैक किल्स एंड बैक टू बैक फिनिशेस अपने नाम हमें जरूर जरूर निकालते हुए दिखा दिया। नवानेटी स्पोर्ट्स के एंकर ने बिकला नॉर्दर्न साइड पर रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्दर्न साइड पर रोटेशन करने वाले विल ट्राई टू कंफर्म देयर किल्स बट ऑब्वियसली किल्स कंफर्म करना इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा। हाइट एडवांटेज लेने की ट्राई करेंगे एंड हायर ग्राउंड होने के बावजूद भी लाइट्स उनके लिए कितना ज्यादा इजी रहता है एनिमीज को डाउन करना एंड स्क्वाड नंबर 20 के प्लेयर्स को भी क्लास स्पॉट आउट कर लिया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि स्क्वाड नंबर 20 के प्लेयर्स को बना कैसे क्लोजिंग करते हैं एंड आरएनटी के प्लेयर्स के पास एक काफी ज्यादा डिसेंट एंड बेसिक लूट रहेगी। तो लूट एंड यूटिलिटीज के क्राइसिस तो आज अपना बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। सो दैट इज ऑब्वियसली रियली रियली बेनिफिशियल फॉर देम। बट ओके आरएनटी के स्पोर्ट्स के एंकोर का स्पॉट आउट कर लिया। एंकोर इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 40 एचपीएल के साथ अगला बचते बचाते कवर में जरूर आ जाएंगे एंड स्क्वाड नंबर के डेडली पैंथर एंड पैंथर के टीममेट्स को भी क्लाइंग दिस स्पॉट आउट किया। एंकोर इज डाउन विद 40 एचपीएल बट बिफोर दैट एज यू कैन सी जाटोजी ने टॉप डॉग को इजीली डाउन कर दिया एंड ओके टीम उनके ओ आया। पैराडॉक्स एंड एंकोर आर लास्ट के टीम प्लेयर्स सर्वाइविंग ऑफ द टीम। एंकोर एंड एंकोर के प्लेयर्स आर हेडिंग बट ओके एज यू कैन सी एंकोर को इजीली डाउन कर दिया एंड पैराडॉक्स एंड ओ आया आर लास्ट के दो प्लेयर्स सर्वाइविंग ऑफ द टीम एंड ओके पैराडॉक्स एंड ओ आया आर हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द एनिमी राइट नाउ। स्क्वाड नंबर 20 के डेडली को स्पॉट आउट जरूर कर ले। डेडली को डाउन करने की भी ट्राई कर रहे हैं बट स्टिल पैराडॉक्स ओके पैराडॉक्स ने फाइनली विजर्ड एंड डेडली दोनों के दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दें। दोनों के दोनों प्लेयर्स को डाउन करके अपनी टीम के लिए एंट्री फ्रैग भी जरूर निकाल दिया। नाउ पैराडॉक्स के ऊपर नजर डाली बट अनफॉर्चुनेटली पैराडॉक्स को थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ेगा एंड थर्ड पार्टी के द्वारा पैराडॉक्स अकेला मैं कंफर्म भी जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा बट स्टिल पैराडॉक्स इज ओके अनस्टॉपेबल राइट नाउ। रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे थे। अपनी टीम को कवर देने की ट्राई जरूर करी जाएगी बट स्टिल गाइस दैट वाजंट रियली enough for his squad right now. Okay, as you can see, Kai Oya are last with the okay players. Surviving of his team, enemies ko par I think so main closing karte hue dikha denge and enemies ko par bikla closing karne ke baad he will try to confirm his kill but obviously apne teammates ke kill confirm karna itna zyada unke liye easy nahi rahega. Pressure continuously main build up hota hua dikhai de raha hai and on the other hand apne teammates ko bikla revival na start kar de apne teammate paradox revival denge and core ko obviously revival de raha hai. Ye jo fight hai wo kafi zyada to be very honest bikla main इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी टीम या फिर आज अपना कोई भी प्लेयर रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं रहेगा एंड आरएनटी के प्लेयर्स आर हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दी सर्दन साइड ऑफ दी जोन एंड डायरेक्टली अभी क्लाइमेक्स सर्दन साइड पे रोटेशन करते हुए दिखा देंगे एंड सर्दन साइड पे रोटेशन करने के बाद ही दे विल ट्राई टू एलिमिनेट स्क्वाड नंबर 20 के विजर्ड 69 डेडली एंड पैंथर को बट स्टिल आरएनटी के प्लेयर्स के लिए एनिमीज के साथ फाइट लेना एंड एनिमीज को इतना ईजिली एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट टाइम पॉसिबल रह सकता है। And guys on the other hand RNT Esports ke Paradox Encore and Oya 10 are heading directly towards the southern western side but as you can see Kai Oya ko easily spot out kar liya and now he is down with only 50 HPL cover mein apna vehicle zarur laga diya enemies ko
स्पॉट ऑफ लोकल एंड आर चिकन थ्री डी स्पोर्ट्स वर्सेस आर एन टी के प्लेयर्स के चुनाव जरूर 3v3 का क्लैश बनता हुआ दिखा रहे हैं आर एन टी स्पोर्ट्स के प्लस आई थिंक हमारे नॉर्दर्न साइड पर रोटेशन करते हुए दिखा देंगे बट बिफोर दैट सदर्न साइड पर भी काफी सारी टीम जोन के बाहर रहेंगी सो आज अपना ईच एंड एवरी टीम हैव टू रोटेट देम सेल्फ एंड कर्स गॉड के टीम मेट्स भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इन्हीं का मैं ट्राई करते हुए दिखा देंगे एंड नाउ ओके स्क्वाड नंबर 21 के कर्स गॉड ने डेडली को आइडेंटिटी स्पॉट आउट कर लिया एंड डेडली को बिकला मैं डाउन करने की ट्राई जरूर करते हुए दिखा रहे हैं बट स्टिल कर्स गॉड ने फायरिंग करी एंड फायरिंग करके अपनी टीम के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकालने की ट्राई जरूर करेंगे बट बिफोर दैट अपनी लोकेशन रिवील कर दें लोकेशन रिवील करने के बाद एनिमीज के साथ फाइट लेना बहुत ही ज्यादा उनके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एंड कर्स गॉड ने एंड पैंथर एंड पैंथर के मिडल क्लैन डेडली को भी आइडेंटिटी स्पॉट आउट कर लिया एंड कर्स गॉड काउबॉय गेमिंग विकी जॉर्ड and the teammates are heading directly towards the northern eastern side of the zone but okay RNT esports ke encore ne spot out kar liya enemies ko and deadly ko down kar diya RNT ke players ne apne team ke liye golden opportunity nikalte as you can see but okay wizard and panther ki baat hai wizard and panther ne squad number 21 smr ke players ko easily spot out kar liya but okay wizard is already down with only 50 hp health and deadly is down apne teammate ko revival dene ke main apni best performance dene ke try karte hue dikha denge And guys on the other end, DE Sports ke Panther is already down. Wizard 69 is the last player surviving of his team on the other end. RNT Sports ke players apne players advantage ko abhi kho baithe and RNT ke players gets eliminated on fourth position. Now it's only and only between top 3 teams and 10 players. Okay guys, ab karte OP Sports versus SMR and versus DE Sports ke Panther is down. Wizard 69 is the last player surviving of his team. Unke teammate ab ke liye Panther ko revival dene ki zarur try karte hue dikharenge स्मोक कॉल बनाएंगे स्मोक कॉल बट ओके आज कैन सी गॉड एलेक्स निंजा 4 ने डी स्पोर्ट्स के पैंथर को इजीली डाउन कर दिया विजर्ड विल ट्राई हिज बेस्ट राइट नाउ एसएमआर स्पोर्ट्स के कर्स गॉड विकी गॉड एंड सुपरनोवा को इजीली स्पॉट आउट कर लिया बट स्टिल विजर्ड 69 के लिए अकेले ही फाइट लेना एंड स्क्वाड नंबर 21 एसएमआर के प्लेयर्स को एलिमिनेट करना काफी ज्यादा नेक्स्ट इंपॉसिबल रहता था बट स्टिल विजर्ड इज हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दी साउथर्न वेस्टर्न साइड बट अनफॉर्चूनेटली डी स्पोर्ट्स के विजर्ड को अभी कहां इजीली एलिमिनेट कर दिया बाय ओपी स्पोर्ट्स के स्पाइसी एंड स्पाइसी ने अपने किल्स कंफर्म के लिए टॉप 2 टीम्स एंड 8 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव ओपी स्पोर्ट्स वर्सेस एसएमआर के प्लेयर्स के बीच में इट्स गोना बी अ 4 वर्सेस 4 सिनेरियो एंड लेट्स सी व्हिच टीम टेक्स दिस ब्यूटीफुल डोमिनेटिंग अग्रेसिव एंड कमेंडेबल विनर विनर चिकन डिनर एंड ऑन दी अदर एंड एज यू कैन सी SMR Esports के सुपर नोवा को भी क्लाइंट दिल एलिमिनेट कर दिया निंजा फोर इज ऑलरेडी डाउन राइट नाउ स्पाइक्स ही क्रिमिनल एंड निंजा के टीममेट्स ने एज यू कैन सी
नर्दन साइड के एनिमीज का इजिली स्पॉट आउट जरूर कर लिया, बट स्टिल निंजा निंजा के टीममेट्स के अकेले एनिमीज को डाउन करना, उनका किल कंफर्म करना काफी काफी ज्यादा नेक्स्ट टाइम पॉसिबल रह सकता, बट स्टिल दे विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ। प्लेयर्स एडवांटेज होल्ड कर रहे हैं, प्लेयर्स एडवांटेज को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे देन आई एम डैम श्योर कि अभी के लिए जो विनर विनर चिकन डिनर है वो अपने नाम पे जरूर लेके जाते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। विकी कर्स गॉड एंड काउबॉय गेमिंग तीनों के तीनों प्लेयर्स का स्पॉट आउट कर लिया, बट स्टिल दे आर नॉट क्लोजिंग ऑन देम, क्लोजिंग अभी के लिए मैं बिल्कुल भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। निंजा निंजा ने बिकले स्कॉट नंबर 21 के कर्स गॉड एंड काउबॉय गेमिंग के ऊपर हमें अभी के लिए एक और है, एक प्री ग्रेनेड करते हुए दिखाई दे रहा है। प्री ग्रेनेड करने के बाद ही विल ट्राई कैसे ना कैसे करके अभी के लिए एनिमी को डाउन करने की, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट गोना हैपन राइट नाउ। निंजा 4 एंड स्पाइसी के टीममेट्स ऑल ऑफ देम आर हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दी नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड ओके काउबॉय गेमिंग को अनफॉर्चुनेटली जोन के द्वारा ही नॉक आउट कर दिया। कर्स गॉड ने क्रिमिनल ओपी को अभी 5 एचपी डाउन कर दिया, क्रिमिनल ओपी को डाउन करने का मैं ट्राई करते हुए दिखा देंगे। विकी जॉर्ड कमेंडेबल विनर विनर चरण बाय देम। एसएमआर ईस्पोर्ट्स के प्लस भी 4 किल्स के साथ सेकंड पोजीशन पे एलिमिनेट हुए, डी के प्लस भी विद ओवर एंड ओवर 2 किल्स का थर्ड पोजीशन पे एलिमिनेट, आरएनटी के प्लस भी 5, 6, 7, 8 किल्स के साथ फोर्थ पोजीशन पे एलिमिनेट, 8 बिट के प्लस भी विद ओवर एंड ओवर 8 ओके विद हां बिल्कुल 8 किल्स के साथ वो लोग फिफ्थ पोजीशन पे एलिमिनेट हुए गाइस। बाकी सारी टीम्स सब किल पॉइंट्स एंड इवन पोजीशन पॉइंट्स भी बिल्कुल देख सकते हो गाइस। मिलता है आपसे एक छोटे से ब्रेक का एंड गाइस छोटे से ब्रेक का जो हमारे ग्रैंड फाइनल्स की लेवल अप सीरीज की ग्रैंड फाइनल्स के मैचेस है अभी के लिए वो आपको सेकंड एंड थर्ड मैच एक छोटे से ब्रेक के बाद देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।
सो गाइस वेलकम बैक टू द लेवल अप सीरीज सीजन 1 ग्रैंड फाइनल्स मैच 2 में एंड मैच 2 इज गोना बी मिरामार 19 टीम्स एंड 71 प्लेयर्स आर अलाइव प्लेन पाथ इज फ्रॉम नॉर्दर्न टू ईस्टर्न साइड अल अजहर लॉस लियोन सिंपाला पियोट्रो परासो पिकार्डो पावर ग्रिड चुमासेरा एंड इवन लॉस एगोस जैसे काफी सारे हॉट ड्रॉप्स हमारे देखने को मिल रहे हैं हॉट ड्रॉप क्लैशेस रोटेशनल फाइट्स गन फाइट्स एंड इवन कंपाउंड क्लैशेस ये मैं बिल्कुल टीम्स के बीच बनते हुए दिखा रहे हैं गाइस जो भी स्ट्रीम पे ना रहे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन ना भूलना एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए कज़म आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत रहने वाला है एंड गाइस क्लिप प्लेन पाथ काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज है तो ईच एंड एवरी टीम हैव एन एडवांटेज वो लोग अपने विकला फेवरेट हॉट ड्रॉप्स पे जंप कर सकते हैं एंड फेवरेट हॉट ड्रॉप्स पे जंप करके डिसेंट एंड बेसिक लूट भी जरूर कैपिटलाइज करी जा सकती है एंड नाउ टीम्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रोटेटिंग देमसेल्फ डायरेक्टली ओके बट गाइस ऑन दी अदर हैंड प्लेन पाथ सेंट्रलाइज रहेगा तो टीम्स के पास एक एडवांटेज तो रहेगी एंड बिफोर दैट ऑन दी अदर हैंड आई थिंक सो प्योट्रो पेरासो एंड लॉस एगोस वाले एरियाज पे जो हमारे यहाँ फाइट्स हैं एंड जो क्लैशेज है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी टीम्स के बीच में इनिशिएट होते हुए दिखाई देने वाले हैं गाइस टिल देन जो भी स्ट्रीम बना रहे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक करते हैं गाइस सबसे पहला जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा बिकलम वेस्टर्न साइड पर हार्ड स्ट्रिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है सो रोटेशनल फाइट्स कंपाउंड क्लैशेज गन फाइट्स एंड इवन एज यू कैन सी रोटेशनल फाइट्स गन फाइट्स एंड कंपाउंड क्लैशेज भी बिल्कुल टीम्स के बीच बनते हुए दिखाई देने वाली है एंड गाइस जो भी स्ट्रीम बना रहे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन ना मत भूलना एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए समझ बट गाइस ऑन दी अदर हैंड पे कार्डो पे द फाइट हैज बीन ऑलरेडी इनिशिएटेड सासी ने सोल ई-स्पोर्ट्स के गोब्लिन डाउन करता है सॉल स्पोर्ट्स के हेक्टर बीस्ट एंड न्यू की बात कर अपने टीममेट का आदर्श सबसे पहले रिवाइवल देंगे एंड रिवाइवल देने के बाद में फाइट में जरूर जरूर इनिशिएट होते हुए दिखा दे सकते हैं एंड गाइस ओके ऑन द अदर हैंड एज यू कैन सी सॉल स्पोर्ट्स के हेक्टर एंड उनके टीममेट ओके हेक्टर इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ दिस टीम राइट नाउ हेक्टर के तीनों प्लेयर्स आर सो ओके एज यू कैन सी हेक्टर हेक्टर के तीनों प्लेयर्स आर डाउन राइट नाउ एंड हेक्टर को अकेले एक सिंगल हैंड रेली बट ओके सॉल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को स्क्वाड नंबर 13 के प्लेयर्स था इजीली इतने ज्यादा अर्ली स्टेज पे एलिमिनेट कर दिया एंड एलिमिनेट करते हुए चार किल्स एंड चार फिनिशेस भी हासिल कर लिया विदाउट इवन अ सिंगल कैजुअल्टी बट अपने एक ना वाईफी की कैजुअल्टी यहां देनी पड़ेगी यानी जो एक प्लेयर की कैजुअल्टी देगी काफी ज्यादा डिसबेनिफिशियल उनके लिए रह सकता है बट स्टिल इतने ज़्यादा अर्ली स्टेज पे चार किल्स हासिल कर लिया यानी जो चार किल्स उनके लिए रहेंगे दैट इज गोना बी रियली रियली बेनिफिशियल एंड चार किल्स के एज यू कैन सी लीड को बरकरार रख के एनिमीज के साथ फाइट लेना एंड उनको साथ अभी के लिए दोबारा एलिमिनेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाता है फॉर ईच एंड एवरी टीम एंड गाइस टिल देन जो भी स्ट्रीम बना रहे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन ना मत भूलना एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते हैं कज़ हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत रहने वाली है एंड नाउ फ्रोजन इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 5 HP हेल्थ राइट नाउ एंड 5 HP हेल्थ के साथ ही क्लच करना बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टीम पॉसिबल रह सकता बट गाइस फ्रोजन इज ऑल्सो हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दी नॉर्दर्न साइड ऑफ द जोन ऑफ क्लाइमा कंटिन्यूअसली नॉर्दर्न साइड पर रोटेशन करते हुए दिखाई देंगे एंड नॉर्दर्न साइड पर रोटेशन करने के बाद ही दे विल ट्राई टू डू अ क्लच बट स्टिल आरबी के लिए जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा प्रॉपर एंड डिसेंट बेसिक लूट ने विदाउट डिसेंट एंड बेसिक लूट फाइट इनिशिएट करना एंड फाइट को अपने नाम लेके जाना काफी ज्यादा एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज बन जाती है एंड टीम्स को सर्दर्न साइड से वेस्टर्न साइड पर रोटेशन भी जरूर करनी पड़ सकते हैं सो रोटेशनल फाइट्स एंड कंपाउंड क्लैशेस विल बी एट इट्स बेस्ट And guys, on the other hand, Los Leons is the biggest city of Miramar. And guys, Los Leons is the biggest city of whole BGMI, to be very honest. And Los Leons में एक proper fights and एक proper clashes teams के बीच में बनते हुए दिखाई देने वाले हैं. And as you can see, Western side की teams को भी ना Central side पे rotations जरूर करनी पड़ सकती है. तो rotational fights and compound clashes will be at its best right now. Teams have already started rotating themselves. Rotation अभी ना पहले से ही start हो चुका है. But guys, before
क्लैश में बनता हुआ दिखाई देने वाला है। किसी ऐसी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअलिटीज अभी क्लाइम बिल्कुल भी नहीं रही है। ऑन दी अदर हैंड बीआई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात करें, बीआई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की नजर अभी क्लाइम एनिमीज के ऊपर बिल्कुल रहेगा, बट स्टिल बीआई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के लिए फाइट लेना एंड एनिमीज के साथ अपने फाइट लेके अपना नाम करना फाइट थोड़ा बहुत अभी क्लाइम मुश्किल जरूर रह सकता है, बट स्टिल फोर वर्सेस फोर के एक प्रॉपर फाइट रहेगी। किसी के पास जो कोई भी डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं रहने वाले, एक इक्वालिटी की एक इक्वल फाइट हमें दोनों ही टीम्स के बीच में बनते हुए दिखाई देने वाले। टॉप 18 टीम्स एंड 62 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव। सेकंड जोन अभी क्लैश श्रिंकिंग हमें काफी ज्यादा जल्दी करता हुआ दिखा देगा एंड सेकंड जोन श्रिंकिंग करते रोटेशनल फाइट्स एंड कंपाउंड क्लैशेस विल बी एट इट्स बेस्ट राइट नाउ। टॉप डॉग ने एज यू कैन सी वर्ल्ड वर्ल्ड को अभी क्लैश डाउन कर दिया एंड एज यू कैन सी वर्ल्ड को डाउन करने के बाद दे विल ट्राई बेस्ट बट स्टिल नहीं रहेगा। सौर्य ने रॉयल स्पोर्ट्स के बिकला बालक को डाउन किया। ब्लेड सी स्पोर्ट्स के बालक इज डाउन राइट नाउ एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी राइट नाउ बालक का मैक ओके। जो बालक का किल है वो भी आई थिंक सो काफी ज्यादा इजी कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा एंड गाइस ओके किलर फॉरलॉन एंड आरएन को अपने टीममेट्स को अपना रिवाइवल देना एंड रिवाइवल देने के बाद ही दे विल अगेन ट्राई to do a clutch right now and guys okay on their end top 17 teams and 58 players alive rahenge but before that as you can already see abhi clip for lawn ne apne teammate ko bikla revival dena start kar diya and squad number 18 ke players ko bikla easily spot out zarur kar la but still for lawn ki nazar hai squad number 18 bi esports ke players ko bana de gaya okay bi esports ke sorra bhai ne down kar diya and for lawn ne apne team ke liye back to back do knockouts nikal diya and as you can see apne kills bhi easily confirm kar le top 16 teams and 53 players are still alive right now and as you can see squad number 21 ke forlorn is down with only 50 hp health but still 50 hp health ke sath abhiklama bachate abhi kahte cover mein zarur aate hue dikha denge and guys on the other hand forlorn ki teammates ki jo nazar hai aaj apna wo yahan easily enemies ko bana de sakte hain एंड गाइस ऑन दी रन फॉरलॉन ने पिछले स्क्वाड में 18 के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर लिया बट स्टिल आरआईबी के प्लेयर्स के लिए फॉरलॉन के टीममेट्स को एलिमिनेट करना काफी ज़रा मुश्किल रहेगा बट स्टिल 1500 मीटर जोन के अंदर रोटेशन करना है एंड 1500 मीटर्स इज अ रियली ह्यूज अमाउंट एंड लेट्स सी गाइस अभी स्टिल दे विल ट्राई देयर बेस्ट एंड अभी फॉरलॉन इज हेडिंग टुवर्ड्स डायरेक्टली नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द जोन एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड हमारा रोटेशन फाइनली करते हुए दिखा दिया। नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पर रोटेशन करने के बाद ही दे विल ट्राई टू डू अ क्लच बट still on the other hand top 15 teams and 50 players alive rahenge. forlorn is heading towards a bit southern eastern side of the zone abhi to okay guys ab karte hain forlorn apni team ke liye go drop to but okay molotov aa jayega and molotov ke dwara unke kafi zyada abhi ke bachate cover mein aate dikhai dena एंड अभी के जोन ने भी यहाँ थर्ड पार्टी कर दिया दोनों ही टीम्स को 1500 मीटर जोन के अंदर रोटेशन करना एंड 1600 मीटर्स इज अ रियली ह्यूज अमाउंट टू बी वेरी ऑनेस्ट बट स्टिल आरआईबी के प्लेयर्स की बात है वो मैं डायरेक्टली वेस्टर्न साइड पे रोटेशन करते हुए दिखा देंगे एंड गाइस ओके ऑन द अदर हैंड बात कर ली जाए अभी के स्क्वाड नंबर 21 के फॉरलॉन ने एंड रेज गॉड ने एज यू कैन सी आईएनएससी स्पोर्ट्स के गिल को स्पॉट आउट किया गिल को डाउन करने के ट्राई कर बट फॉरलॉन इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 5 एचपी हेल्थ राइट नाउ 5 एचपी हेल्थ के साथ बचाते कवर में जरूर आते हुए दिखाई देंगे बट स्टिल फॉरलॉन कवर में आ चुका है कवर में आने एनिमीज को बिकला इजीली स्पॉट आउट भी जरूर कर लिया एंड 3 kills and 3 फिनिशेस अपनी टीम के नाम जरूर कर लिया बट अनफॉर्चुनेटली अपने एक प्लेयर क्या बालक की कैजुअलिटी जरूर उनको यहां देनी पड़ जाएगी यानी एक प्लेयर बालक की कैजुअलिटी रहेगी बहुत ही ज्यादा डिस बेनिफिशियल उनके यहां रह सकता है बट स्टिल
दे विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ एंड नाउ फॉरलॉन एंड फॉरलॉन के टीममेट्स चारों के चार प्लेयर्स आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिट वेस्टर्न साइड ऑफ द जोन टॉप 13 टीम्स एंड 43 प्लेयर्स अलाइव रहेंगे सदर्न साइड की टीम्स के लिए वेस्टर्न साइड हमारा रोटेशन करते हुए दिखा देंगे ऑन द अदर हैंड हासियान डा डेल पेट्रॉन स्क्वाड नंबर 15 एंड स्क्वाड नंबर 14 के प्लेयर्स के बीच में एक जरूर 4-3 का क्लैश बनता हुआ दिखा रहेगा स्क्वाड नंबर 14 के प्लेयर्स आर होल्डिंग वन प्लेयर एडवांटेज एंड प्लेयर एडवांटेज होल्ड करके आज यू कैन सी एनिमीज को डाउन करना एंड एनिमीज का किल कंफर्म करना काफी ज्यादा उनके लिए इजी रह सकता बट स्टिल स्क्वाड नंबर 14 के प्लेयर्स आर इन अ रियली रियली बिग डेंजर राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ ऑन दी अदर स्क्वाड नंबर 14 एंड ओके टॉप डॉग ने एमसी स्पोर्ट्स के सकीरो को डाउन कर दिया सदर्न साइड की टीम्स को वेस्टर्न साइड पर भी रोटेशन करने पड़ेगा एंड आरएनटी के प्लेयर्स को लास्ट वाले मैच में भी काफी ज्यादा अर्ली स्टेज पे एलिमिनेशन मिल गया था एंड आज के मैचेस में भी आज यू कैन सी टॉप डॉग के टीम मेटअप करते हैं ओके टॉप डॉग को भी इजीली डाउन कर दिया जाएगा बाय जारोगॉड इज डाउन राइट नाउ एंड ओ यार 10 अपने टीम मेट को अपना कवर देने की ट्राई जरूर करें बट स्टिल कवर अभी तक यहाँ बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे Now RNT Esports ke players are heading towards a bit northern western side of the zone and guys on the run squad number 20 ke players ko bhi clan easily spot out kar liya and RNT ke players ne apne ek player fourth player ki casualty kafi zyada early stage pe de di hai and ye ek player ki casualty rahi wo unke liye kafi zyada next impossible reh sakta but still they are heading directly towards the northern eastern side of the zone and as you can see clan northern eastern side pe rotation karne ke baad hi dobara map fights initiate hote dikhai de sakti hai RNT Esports के प्लेयर्स अपने फाइट में बिल्कुल भी इनिशिएट करते हुए नहीं दिखा देंगे दे आर प्लेइंग रियली रियली पैसिव गेम प्ले स्लो गेम प्ले एंड पैसिव गेम प्ले अभी क्लेमा कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे एंड स्लो गेम प्ले एंड पैसिव गेम प्ले कंटिन्यू करने के बाद ही दे विल ट्राई टू डू अ क्लच Top 13 teams and 41 players are still alive right now. RNT ke players are trying their best, but before that, on the other hand, as you can see, western side ki teams. Okay, guys, the zone ke bilkul central side pe main dobara fights and clashes bante hue dikha denge. And then your opinion score number 20 ke players ko easily spot out kar liya, but still score number 20 ke players ko eliminate karna itna zyada easy nahi rehne wala. Jo pressure hai, wo kafi zyada continuously hai main build up hota hua dikha rahe hain. Okay, guys, the bunny 9 ko spot out kar liya. Okay, we got a good. गुन्नू ने बनी 9 को M24 का एक बहुत ही प्यारा हेडशॉट कनेक्ट करते हुए डाउन कर दिया एंड बनी 9 का ओके आज यू कैन से अपना किल भी कंफर्म करने के बाद जरूर ट्राई करते हुए दिखा रहे हैं बट बनी अपने टीममेट हनी के पास अभी क्लांक कवर में जा चुका है कवर में जाने के बाद अपनी जो हेल्थ है वो भी हमारे जरूर रिकवर करते हुए दिखा देंगे एंड नाउ सेल्सियस ओजी एंड सेल्सियस ओजी के टीममेट्स की बात करें दे आर आल्सो हेडिंग ओके डेनी ओपी को सकीरो ने इजीली डाउन कर दिया एंड सकीरो ने ट्रेड फायर के द्वारा अपना इजीली किल भी हमें जरूर कंफर्म करते हुए दिखा देंगे डेनी ओपी को बिल्कुल ओपन में डाउन कर दें जो डेनी ओपी का किल है बट गाइस बिफोर दैट पार्थ आईजीएल सेल्सियस एंड गुन्नू विल आल्सो ट्राई देयर बेस्ट राइट टीम सेल्सियस के तीनों प्लेयर्स आर डाउन राइट नाउ बट आईजीएल ने काफी ज़रा बेहतरीन तरीके से अपने एक प्लेयर को रिवाइवल दिया एंड आज कर सेल्सियस एंड गुन्नू को बट ओके सकीरो ने आईजीएल को दोबारा डाउन कर देना डेनी इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ हिज टीम राइट नाउ डेनी को आज अपना अकेले ही स्क्वाड नंबर 20 स्पाई के प्लेयर्स के अगेंस्ट एक सिंगल हैंडेडली सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच है एंड ये सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच रहेगा बट गाइस बिफोर दैट डेनी एंड डेनी के प्लेयर्स को इजीली एलिमिनेट कर दिया है स्क्वाड नंबर 20 के प्लेयर्स एंड स्पाई स्पोर्ट्स
प्लेयर्स ने 7 किल्स एंड 7 फिनिशेस हासिल कर लिए बैक टू बैक दो स्क्वाड्स को एलिमिनेट करते हुए विदाउट इवन अ सिंगल कैजुअल्टी। बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग अग्रेसिव एंड कमेंडेबल गेम फ्रॉम हनी एंड हनी के टीममेट्स के द्वारा बनता हुआ दिखाई दे रहा। रुकने का नाम मतलब फ्रॉम बिल्कुल भी लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे एंड टॉप 10 टीम्स एंड 32 प्लेयर्स भी बिल्कुल अलाइव रहेंगे। सदर्न साइटेड टीम्स हैव स्टार्टेड रोटेशन ओके रोटेशन देमसेल्फ एंड ओके गाइस ऑन द अदर हैंड एज यू कैन ऑलरेडी सी देयर इज टोरे होम आदा में एलन एलन ने स्पॉट किया। पॉन्जी इज डाउन राइट नाउ एंड ओके पॉन्जी को डाउन किया। पॉन्जी का किल कंफर्म करने का मैं ट्राई करते हुए दिखाना बट ओके पॉन्जी इज डाउन। एलन एंड आदित्य ओके एज यू कैन सी एलन एंड आदित्य ने एनिमीज को स्पॉट आउट जरूर कर लिया बट स्टिल एलन इज ऑल्सो ओके एलन इज ऑल्सो डाउन विद ओनली एंड ओनली 5 HP health right now, बचते बचाते कवर में आ चुका। कवर में आने के बाद अपनी हेल्थ हम अभी के लिए रिकवर करते हुए दिखा देंगे एंड हेल्थ रिकवर करने के बाद अभी के लिए हमारे सर्दन वेस्टर्न साइड पे भी रोटेशन जरूर करते हुए दिखा दे सकते हैं। एलन ने एज यू कैन सी एनिमीज को इजीली स्पॉट आउट जरूर कर लिया बट स्टिल एलन अभी करते हैं ओके स्पॉट नंबर 23 के निंजा को अभी के लिए स्पॉट आउट करने की ट्राई करेंगे एंड निंजा के ऊपर भी आई थिंक सो हमारे क्लोजिंग जरूर करते हुए दिखा दे सकते हैं। नाउ एलन इज हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द एनिमी राइट नाउ। एनिमी के ऊपर अभी के लिए क्लोजिंग करने का मैं ट्राई जरूर करते हुए दिखाना बट स्टिल क्लोजिंग करना उनके इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा। जो उनकी लोकेशन है वो बिकला पहले से ही रिवील हो रखा है ऑन द अदर एंड टॉप 10 टीम्स एंड 30 प्लेयर्स भी बिकला बिल्कुल लाइव देखने को बोल रहे हैं। एलन ने एज यू कैन सी एनिमीज को बिकला इजीली स्पॉट आउट कर लिया एंड एलन ने बिकला हमें एनिमीज को बट बिफोर दैट निंजा फोर एंड निंजा फोर के टीममेट्स को आई थिंक सो मैं क्लोजिंग करने की ट्राई करें एंड क्लोजिंग करने के बाद ही दे विल ट्राई टू कंफर्म देयर किल। टॉप 10 टीम्स एंड 29 प्लेयर्स आर अलाइव राइट नाउ। एलन ने बिकला कैसे ना कैसे करके अपनी टीम के लिए एंट्री फ्रैग निकालने की ट्राई कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक यहाँ बिल्कुल भी अपनी टीम के लिए एंट्री फ्रैग नहीं निकाल पा रहे हैं एंड जो प्रेशर है वो उनके ऊपर नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड As you can already see, enemies को बिकला easily spot out कर लिया। Now Allen के teammates are holding a really, really good height advantage। यानी के लिए height advantage को अगर उन्होंने properly utilize करा, then I'm damn sure के enemies को eliminate करना उनके लिए काफी ज़्यादा easy रह सकता है। It's just a matter of time कि कैसे वो बिकला fight को initiate करते हैं। Fight को initiate करने के बाद कैसे enemies का तमाम fight लेते हुए दिखा दे सकता है। तो let's see, it's just a matter of time। Allen अब के score number 23 के players के ऊपर मैं directly closing करते हुए दिखा देंगे एंड क्लोजिंग करने के बाद यार यू कैन सी एलन बैक टू बैक अभी के लिए प्री फायर दे रहे हैं। प्री ग्रेनेड्स भी हमें जरूर एलन करते हुए दिखा दे रहे हैं बट स्टिल एलन अभी तक अपनी टीम के लिए जो प्रॉपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो प्रॉपर एक एडवांटेज है वो अपनी टीम के लिए बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहे हैं। टॉप 19 एंड 24 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव राइट नाउ। क्लोजिंग जरूर करते हुए दिखा देंगे एंड स्कॉर्ड 14 के प्लस क्लोजिंग करने के बाद आई थिंक अपना किल भी हमें कंफर्म जरूर करते हुए दिखा दे सकते हैं बट स्टिल किल कंफर्म करना उनके लिए इतना ज्यादा इजी नहीं रहने वाला है। जो उनकी लोकेशन एंड गाइस दे आर इन रियली रियली ओपन, अगर इतना ज्यादा ओपन में ही रहेंगे देन फाइट लेना एंड एनिमीज को डाउन करना ऑब्वियसली काफी ज्यादा बड़ा एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। बट एज यू कैन सी 5 MS ने एनिमीज को बिकला स्पॉट आउट कर लिया। टॉप 7 टीम्स एंड टॉप 20 प्लेयर्स भी अभी के हमें लाइव वहाँ बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं एंड ऑन दी अदर हैंड अभी के हमें डायरेक्टली आई थिंक सो एनिमीज के ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिखाई देंगे बट स्टिल अभी के ईच एंड एवरी प्लेयर इज प्लेइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लो गेम प्ले एंड अ पैसिव गेम प्ले। हल्का फुल्का बिकला स्लो गेम प्ले एंड पैसिव गेम प्ले कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे एंड स्लो गेम प्ले एंड पैसिव गेम प्ले कंटिन्यू करने के बाद ही दे विल ट्राई टू एलिमिनेट द एनिमीज राइट नाउ बट स्टिल एनिमीज को एलिमिनेट करना इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा क्योंकि जो उनकी लोकेशन है दैट इज ऑलरेडी रिवील्ड राइट नाउ एंड ऑन दी अदर हैंड क्लिक फिफ्थ जोन भी हमें श्रिंक इन करता हुआ दिखाई देने वाला है एंड गाइस फिफ्थ जोन श्रिंक इन करने से पहले जोन अगेन एंड अगेन हमें अभी क्लाइम वेस्टर्न साइड पे ही श्रिंक इन करता हुआ दिखाई दे रहा। तो ईच एंड एवरी टीम विल ट्राई फॉर देयर बेस्ट टू रोटेट देमसेल्फ ओटीएन ईस्पोर्ट्स के निंजा स्पाइसी एंड चारों के चारों प्लेयर्स की बात करें दे आर हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द जोन। वेस्टर्न साइड के एनिमीज को स्पॉट आउट जरूर कर लिया बट बिफोर दैट निंजा की जो वेस्ट है दैट इज 100% डैमेज राइट नाउ एंड 100% डैमेज वेस्ट के साथ एज यू कैन सी फाइट लेना एंड एनिमीज को एलिमिनेट करना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क बन जाता है। बट गाइस ऑन द अदर हैंड निंजा की नजर क्लियर रोलेक्स के ऊपर अभी क्लियर बिल्कुल देखने को मिलेगी एंड ही विल ट्राई रोलेक्स को कैसे ना कैसे करके एलिमिनेट
एलिमिनेट करने के, बट स्टिल रोलेक्स को एलिमिनेट करना इतना ज्यादा ईजी नहीं रहेगा इनका जोन दिया था। टिल देन जो भी स्ट्रीम बना रहे फटाफट से स्ट्रीम को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। टीम्स आर प्लेइंग रियली रियली पैसिव गेम प्ले, कोई भी टीम हल्का सा भी ओपन में आके वहाँ फाइट्स इनिशिएट करती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। एंड गाइस बिफोर दैट अभी के लिए सर्दन साइड की टीम्स बैठो के वेस्टर्न साइड पे ब्लेड सी स्पोर्ट्स के किलर फॉर लॉन एंड आज यू कैन सी आर्यन तीनों के तीनों प्लेयर्स ने एनिमीज को स्पॉट आउट कर लिया। ब्लेड सी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एलिमिनेट ऑल दी एनिमीज राइट नाउ। किलर आर्यन ओपी एंड फॉर लॉन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मैं ट्राई करते हुए दिखा देंगे स्पाई स्पोर्ट्स के मनी एंड मनी के टीम मेट्स को अभी के लिए इजिली स्पॉट आउट कर लिया, बट स्टिल एलिमिनेट करना इतना ज्यादा ईजी नहीं रहेगा। एंड ब्लेड सी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर जो जोन है वो भी अभी के लिए मैं दोबारा श्रिंक इन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जोन दोबारा श्रिंकिन हो गया। ओके किलर, किलर की लोकेशन पे क्लैप प्रॉपर्ली हमें रिवील होते हुए दिखाई दे रहा है एंड आज यू कैन सी किलर एंड किलर के टीममेट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट ओके सकीरो, सकीरो ने फॉर लॉन को डाउन कर दिया है। किलर एंड आरएन ओपी आर लास्ट के दो प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम, तीन किल्स एंड तीन फिनिशेस अपने नाम पे जरूर कर लिया है। एंड ऑन द अदर हैंड एज यू कैन ऑलरेडी सी राइट नाउ किलर, किलर के ऊपर डायरेक्टली हमें अभी क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है एंड किलर को अनफॉर्चूनेटली इजीली हमें डाउन भी करते हुए दिखा देंगे। किलर का किल कंफर्म कर दिया, आरएन ओपी इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ इस टीम एंड क्लियर आरएन ओपी को अकेले एक सिंगल हैंडेडली सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करना है, एनिमीज के अगेंस्ट 1000 मीटर जोन के अंदर रोटेशन करना है एंड 1000 मीटर इज अ रियली रियली ह्यूज अमाउंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल लेट्स सी 1000 मीटर सब के लिए सर्वाइव कर पाते कि नहीं, रोटेशन कर पाते कि नहीं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड आरएन, आरएन इज डाउन विद ओनली ओके, आरएन की जो लोकेशन है वो भी रिवील हो रखा है, बट स्टिल आरएन फॉल बैक करते हुए दिखा देंगे स्क्वाड में नहीं, स्पाई स्पोर्ट्स के प्लस ने आरएन के ऊपर अभी क्लाइंट इजीली क्लोजिंग कर दिया। आरएन इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 5 एचपी, किलर फॉरलॉन एंड बालक तीनों के तीनों प्लेयर्स आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड। आरएन को अदफना अकेले ही एक सिंगल हैंडेडली सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करना है, सर्दन ईस्टर्न साइड के एनिमीज को आई थिंक समय क्लोजिंग करने की ट्राई करते हुए दिखाई देंगे एंड क्लोजिंग करने से पहले अनफॉर्चुनेटली आरएन का किल भी कंफर्म कर लिया है एंड नाउ इट्स ओनली एंड ओनली बिटवीन टॉप 6 टीम्स एंड 15 प्लेयर्स। So let's see which team takes this beautiful dominating aggressive and commendable winner चयन है, ये देखने में भी क्या काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। निंजा, निंजा को डाउन कर दिया है, स्पाइसी एंड स्पाइसी के बाकी के प्लेयर्स के ऊपर भी लेट से मैं क्लोजिंग करते हुए दिखाई देने वाले, बट स्टिल सरकार, सरकार एंड सरकार की जो टीममेट्स की नजर है वो एनिमीज को बना बिल्कुल रहेगी, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना बी दैट इजी एंड दैट सिंपल फॉर देम। सरकार बैक टू बैक अभी क्लास स्प्रे डाउन करने की ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्क्वाड टोमेटो ने के बनी एंड सकीरो को अभी क्लास स्प्रे डाउन करने की ट्राई करेंगे, बट स्टिल प्रॉपरली अभी क्लब में टीम के लिए एंट्री फ्रैग नहीं कर पा रहे हैं ना ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाल पाएंगे। ऑन द अदर हैंड एज यू कैन ऑलरेडी सी सरकार के टीम क्लियर, सरकार एंड रेज गॉड आर लास्ट के दो प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम एंड क्लियर, सरकार एंड रेज गॉड को अकेले ही क्लच करना, बट स्टिल एज यू कैन सी जो उनकी लोकेशन है दैट इज ऑलरेडी रिवील्ड राइट नाउ एंड रिवील्ड लोकेशन के बाद एक क्लच करना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इंपॉसिबल हो जाता है, बट स्टिल ऑन द अदर हैंड द फाइट हैज बीन अगेन इनिशिएटेड। 14 के प्लेयर्स आर होल्डिंग प्लेयर्स एडवांटेज होल्ड करने के बाद एनिमीज को एलिमिनेट करना है, एनिमीज का फाइट लेना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है, बट एक प्लेयर एलेक्सर, एलेक्सर की कैजुअलिटी जरूर जरूर रहेगी, बट लेट्स सी एक प्लेयर की कैजुअलिटी को एडवांटेज में कन्वर्ट कर पाते कि नहीं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ। एंड अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कर दे देन ऑब्वियसली जो विनर विनर चिकन डिनर है वो उनके नाम हमें जरूर जरूर लेके जाते हुए दिखाएंगे। एंड आज यू कैन सी स्क्वाड 17 के रोलेक्स एंड रोलेक्स के टीममेट को हुब्रू को भी इजीली स्पॉट आउट कर लिया, बट स्टिल आज यू कैन सी हुब्रू को डाउन कर पाते कि नहीं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड सेवंथ जोन भी श्रिंकिन करना स्टार्ट हो चुका है एंड हर टीम को आज यू कैन सी 200 मीटर जोन के अंदर रोटेशन करना है, नॉर्दर्न साइड की टीम्स को भी सेंट्रल साइड पे रोटेशंस करनी है। स्क्वाड नंबर 17 के एज यू कैन सी अभी कहते हुब्रो एंड रोलेक्स आर लास्ट के दो प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम एंड हुब्रो एंड रोलेक्स ने स्क्वाड नंबर 23 ओपी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को इजीली स्पॉट आउट कर दिया, बट स्टिल स्क्वाड नंबर 17 के प्लेयर्स के लिए अकेले ही फाइट लेना काफी ज्यादा नेक्स्ट टाइम पॉसिबल रह सकता है। एमएसएमएस ने आज यू कैन सी एचएचई स्पोर्ट्स के रेज गॉड को डाउन कर देना, एचएचई स्पोर्ट्स के रेज गॉड को डाउन करने के बाद दे विल ट्राई टू कंफर्म देयर किल, बट ऑब्वियसली किल कंफर्म करना इज नॉट गोना बी दैट इजी एंड दैट सिंपल फॉर देम। एंड एज यू कैन सी अगर रेज गॉड एंड उनके टीममेट के ऊपर जो प्रेशर है वो तो कंटिन्यूसली बिल्डअप होता हुआ दिखा देगा, बिकॉज जो उनकी लोकेशन है वो अभी पहले से ही रिवील हो रखी है। एंड ऑन द अदर हैंड
सरकार आउटसाइड प्लेस उनके द्वारा कॉन्ग है, जो कॉन्ग का मैं इजीली किल कंफर्म करते हुए दिखा देंगे स्क्वाड नंबर 23 के स्पाइसी एंड निंजा। लास्ट के दो प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम स्पाइसी एंड निंजा को अकेले ही एक सिंगल हैंडेडली क्लच करना एनिमीज के अगेंस्ट, एंड सिंगल हैंडेडली क्लच रहेगा स्पाइसी एंड स्पाइसी के टीममेट्स के लिए काफी काफी ज्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल रह सकता, बट स्टिल दे विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ। प्लेयर्स एडवांटेज जरूर होल्ड करते हुए दिखा दे रहा है, लेट्स सी क्या प्लेयर्स एडवांटेज अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे देन आई एम डैम श्योर कि जो अभी के लिए विनर विनर चिकन है ना वो अपने नाम पे मैच जरूर लेके जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड स्पाइसी या ओके गाइस डुओ वर्सेस स्क्वाड क्लच है स्पाइसी एंड निंजा क्वानी जो डुओ वर्सेस स्क्वाड क्लच उनके लिए रहेगा आई थिंक सो थोड़ा बहुत अपना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल जरूर रह सकता, बट स्टिल ऑन दी अदर हैंड हम करते हैं स्पाइसी एंड निंजा वर्सेस स्क्वाड 14 का डुओ एंड इट्स ऑन अ बैड डुओ वर्सेस डुओ सिचुएशन एंड लेट्स सी कौन सी टीम इस डुओ वर्सेस डुओ सिचुएशन को अपने नाम करके लेके जाता है, लेट्स सी कौन सी टीम अपने नाम पे विनर विनर चिकन है ना करते हुए दिखा देंगे। हैल्कॉन हैल्कॉन इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ दिस टीम एज यू कैन सी अकेले ही अभी क्लाइम कंटिन्यू करते हुए दिखाई देना सबसे ज्यादा प्लेयर्स डिसएडवांटेज रहेगी उनके पास एंड लेट्स सी प्लेयर्स डिसएडवांटेज को एडवांटेज में एज यू कैन सी कन्वर्ट कर पाते कि नहीं, दैट इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ। अगर डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया देन आई एम डैम श्योर कि जो अभी के लिए विक्ट्री है वो अपने नाम हमें जरूर लेके जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट गाइस जोन जोन श्रिंक इन करना स्टार्ट हो चुका है, जोन श्रिंक इन करते ही रोटेशनल फाइट्स एंड जो कंपाउंड क्लैशेस है वो भी काफी ज्यादा जल्दी अभी क्लेमा टीम्स के बीच में इनिशिएट करते हुए दिखाई देने वाला है। नाउ हैल्कन एंड हैल्कन के टीममेट्स की बात करें दे हैव आल्सो स्टार्टेड रोटेटिंग देमसेल्फ एंड के लिए जो रोटेशनल फाइट्स एंड जो कंपाउंड क्लैशेस है वो अभी के लिए हर एक टीम के मैच स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, बट स्टिल हाइट डिसएडवांटेज होल्ड करते हुए दिखाई देना। हाइट डिसएडवांटेज होल्ड करने के बाद भी लेट्स से उनके लिए कितना ज्यादा इजी रहता है एनिमीज के साथ फाइट लेना या एनिमीज को एलिमिनेट करना, बिकॉज दैट इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ। अगर एनिमीज को एलिमिनेट कर दिया देन जो भी कहते हैं जो विनर विनर चुन बट ओके स्क्वाड नंबर 17 वर्सेस स्क्वाड नंबर 23 के प्लेयर्स के बीच इट्स गोना बी अ डुओ वर्सेस डुओ सिचुएशन, किसी के पास भी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज या कैजुअलिटीज बिल्कुल नहीं रहेगा। लेट्स सी कौन सी टीम होती है जो विनर विनर चिकन डिनर अपने नाम लेके जाते हैं, दैट इज गोना बी द बेस्ट थिंग राइट नाउ। एंड ओके रोलेक्स एंड रोलेक्स की टीम करते हुब्रो ने अभी नॉर्दर्न साइड पे डायरेक्टली अभी क्लोजिंग करनी स्टार्ट कर दें, डायरेक्टली अभी क्लेमा क्लोजिंग करते हुए दिखाई देंगे एंड क्लोजिंग करने के बाद ही दे विल ट्राई टू कंफर्म देयर किल, बट बिफोर दैट अभी कोई भी टीम फाइट में हल्का सा भी इनिशिएट करना चाह ही नहीं रहा। ईच एंड एवरी टीम इज प्लेइंग फॉर अ पैसिव गेम प्ले एंड अ स्लो गेम प्ले, कोई भी टीम ओपन में बिल्कुल भी आना नहीं चाह रही है। एंड रोलेक्स ने एज यू कैन सी निंजा निंजा को अभी इजीली स्पॉट आउट कर लें, निंजा के ऊपर क्लोजिंग ओके रोलेक्स रोलेक्स अभी काफी ज्यादा डाउन करता है, रोलेक्स इज डाउन विद ओनली PSK प्लेयर्स भी विद ओवर एंड ओवर 6 स्किल्स के साथ हमारा थर्ड पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए दिखा देंगे। HHE स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी विद ओवर एंड ओवर 7 स्किल्स के साथ फोर्थ पोजीशन पे एलिमिनेट हुए, स्पाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी 10 स्किल्स के साथ फिफ्थ पोजीशन पे एलिमिनेट, रॉयल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को अनफॉर्चुनेटली 3 किल्स के साथ 7th पोजीशन पे एलिमिनेशन मिली है गाइस। बाकी सारी टीम्स का किल पॉइंट्स एंड इवन पोजीशन पॉइंट्स भी बिल्कुल देख सकते हो गाइस। मिलता है आपसे एक छोटे से ब्रेक का लेवल अप सीरीज के ग्रैंड फाइनल्स डे 1 के थर्ड मैच आपको डायरेक्टली अभी के लिए विटनेस करने को मिलेगा। तो मिलता है आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, टिल देन बाय।
वेल वेलकम बैक टू स्ट्रीम लेवल अप सीरीज सीजन वन ग्रैंड फाइनल्स डे वन के मैच थर्ड एंड लास्ट मैच में आप सबका स्वागत है। प्लेन पाथ इज फ्रॉम नॉर्दर्न टू ईस्टर्न साइड एंड काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड प्लेन पाथ रहेगा एंड प्लेन पाथ ने प्रेमोस के मिलिट्री बेस नोवर अपना मिल्टा मिल्टा पावर लिपोव का मैंशन एंड पुचिंग की जैसे काफी सारे हॉट ड्रॉप्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सो हॉट ड्रॉप क्लैशेस, रोटेशनल फाइट्स, गन फाइट्स एंड इवन कंपाउंड क्लैशेस भी बिल्कुल टीम्स के बीच बनते हुए दिखाई देंगे एंड ईच एंड एवरी टीम विल ट्राई फॉर देयर बेस्ट गेम प्ले। राइट ना कोई भी टीम या फिर अपना कोई भी प्लेयर हल्का सा भी अर्ली स्टेज पे एलिमिनेट होता हुआ नहीं दिखा देगा, बट जो सबसे पहली फाइट्स है वो आई थिंक सो मैन ओवर अपना में जरूर जरूर इनिशिएट होते हुए दिखाई देने वाली है टीम्स के बीच में एंड जो सबसे पहला जोन है वो काफी ज्यादा हमें अभी के लिए वेस्टर्न साइड पे बनता हुआ दिखा दिया। तो वेस्टर्न साइड की टीम्स को आज अपना रोटेशन जरूर करनी पड़ेगी एंड गाइस मिलिट्री बेस नोवर अपना एंड पुचिंग की काफी सारे हॉट ड्रॉप्स अभी के लिए हमारे रोटेशनल फाइट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम्स के बीच। तो कॉम्पिटिशन विल बी ऑन अनदर लेवल टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ एंड स्क्वाड नंबर 10 वर्सेस स्क्वाड नंबर 1 के राजराज इज द लास्ट प्लेयर प्लेइंग दिस मैच एंड प्लेयर राज को अकेले ही एक सिंगल हैंडेडली सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच है एनिमीज के अगेंस्ट एंड सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच रहेगा बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट टाइम पॉसिबल रह सकता बट स्टिल ही विल ट्राई हिज बेस्ट राइट नाउ। राज को बराबर कर दिया आज कैन हल्के प्लेयर्स ने एक साथ ही स्लैम इन कर दिया एंड ऑन द रन के राज को स्क्वाड नंबर 10 ही ऐसे नी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने परफेक्ट ग्रेनेड करके डाउन कर दिया एंड जो राज का किला वो इजीली कंफर्म कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर अभी मैं आता हुआ दिखाई दिया था जो किला वो भी काफी ज्यादा इजीली हमें कंफर्म अभी के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ऑन दी कैन सी शील्ड एंड शील्ड के टीममेट की बात है स्क्वाड नंबर 12 एंड नॉट बिटवीन टॉप 21 टीम्स एंड 75 प्लेयर्स आर अलाइव राइट नाउ। नोवर रिप्लाई पे लेजिट अभी के लिए मैं कम से कम भी चार या पांच टीम्स आते हुए दिखाई दिए हैं। सो कॉम्पिटिशन विल बी ऑन अनदर लेवल स्क्वाड नंबर 24 के रेन ने भी कहते हैं ग्रेनेड पुल आउट कर लिया एंड रेन इज ट्राइंग कैसे ना कैसे एनिमी को डाउन करने के जोन में 4 वर्सेस 4 सिनेरियो स्क्वाड नंबर 19 के इनसेन ईस्पोर्ट्स के गोष्ठी को पर अभिक्रम एक ग्रेनेड जरूर करते हुए दिखा देंगे एंड ग्रेनेड करके ही विल ट्राई टू एलिमिनेट द एनिमीज कैसे ना कैसे करके बट ऑब्वियसली एनिमीज को एलिमिनेट करना इतना ज्यादा उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाला का जो लोकेशन है वो अभिक्रम पहले से ही रिवील होते हुए दिखाई दी है एंड रिवील्ड लोकेशन के बाद एक क्लच करना एंड एनिमीज को एक फाइट लेना एंड एनिमीज को इवन डाउन करना एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज बन जाते बट ओके रेन शिनी ओजी एज यू कैन सी शाइन ओजी ने आई थिंक सो एनिमीज का स्पॉट आउट जरूर कर लिया एंड शाइन ओजी विल ट्राई देयर बेस्ट टू कंफर्म देयर किल बट बिफोर दैट काफी सारे टीम्स की साइमल्टेनियसली हमें एक साथ फाइट्स यहाँ देखने को मिल रही है एंड ऑन दी अदर निकले होती है जोन के बिल्कुल सेंटर में भी द फाइट्स हैज बीन ऑलरेडी इनिशिएटेड बिटवीन द टीम पुचिंग की एंड स्कूल वाले एरिया पे जरूर हमें फाइट्स इनिशिएट होते हुए दिखाई देने वाली है। बट बिफोर दैट एज यू कैन सी बात कर लिया नोवर अपना पे अभी भी हमारे सबसे ज्यादा टीम्स के बीच फाइट्स एंड क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज गोना बी रियली रियली ह्यूज एंड ड्रीम्स के प्लेयर्स ने एज यू कैन सी एनिमीज को इजीली स्पॉट आउट कर लिया किलर एंड किलर के प्लेयर्स के बाद वो लोग भी रुकने वालों में से हैं बिल्कुल मेरा डायरेक्टली क्लोजिंग करते हुए दिखाई देंगे एंड क्लोजिंग करना दे विल ट्राई टू कंफर्म दे किल जॉनी एंड डोप दो प्लेयर्स की कैजुअलिटीज अभी क्लास जरूर दे रखी है बट स्टिल दो प्लेयर्स की कैजुअलिटीज के रिटर्न में अभी तक एक भी किल नहीं हासिल करा है तो दैट इज अ बिट डिसएडवांटेजेस फॉर देयर ग्रुप बट स्टिल गोनी एक्स एंड ड्रीम्स विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ। निंजा 4 ने एज यू कैन सी MP5 को डाउन कर दिया MP5 को डाउन बट ओके RNT के प्लेयर्स कहते हैं RNT स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के दोनों मैच में काफी ज्यादा मीडियोकर गेम प्ले अभी क्लास देखने को मिला एंड लेट्स सी इट्स दी थर्ड एंड फाइनल मैच ऑफ दी डे सो लेट्स सी थर्ड एंड फाइनल मैच ऑफ दी डे उनका कैसे गेम पे रहता है। नाउ RNT के प्लेयर्स कहते हैं ओके एंजाइटी ने DMC स्पोर्ट्स के रेन को स्पॉट आउट करा रेन के ऊपर अभी क्लमा क्लोजिंग करते हुए दिखा रहे हैं RNT के प्लेयर्स आर होल्डिंग अ रियली रियली गुड हाइट एडवांटेज लेट्स सी हाइट एडवांटेज को होल्ड कर पाते कि नहीं एनिमीज को प्रॉपरली डाउन कर पाते कि नहीं दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ। टॉप 16 टीम्स एंड 55 प्लेयर्स अभी भी अलाइव रहेंगे एंड नोवर अपना वाली साइड पर अभी कहते हैं ओके टॉप डॉग ने काफी ज्यादा एक रोटेशन ले लिया एंड ही इज ट्राइंग टू होल्ड हाइट एडवांटेज एज वेल एज प्लेयर्स एडवांटेज। DMC स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने स्क्वाड नंबर 8 LESE स्पोर्ट्स के सेनाओजी इज ऑलरेडी डाउन एंजाइटी इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ टीम तो लेट्स स्पेक्टेट एंजाइटी ने अपना DMC स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को इजिली स्पॉट आउट कर लिया एंड मे बी अभी DMC के प्लेयर्स को क्लोजिंग भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड
क्लोजिंग करने के बाद ही दे विल अगेन ट्राई टू कंफर्म देयर किल, बट ऑब्वियसली किल्स कंफर्म करना इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा, कर जो लोकेशन एंड क्ले एंजाइटी को पर एक बहुत ही प्यारा परफेक्ट ग्रेनेड आएगा, एंड परफेक्ट ग्रेनेड के द्वारा उनके जो किल्स है वो भी इजीली हमें कंफर्म होते हुए दिखा देगा। नाउ आरएनटी स्पोर्ट्स के ऊपर नजरें डाल दीजिए, आरएनटी स्पोर्ट्स का क्लास सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड अभी क्लेम अलाइव देखने को मिल रहे हैं, एंड आरएनटी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को आई थिंक सो उनके लिए जो सर्वाइव करना एंड क्वालिफाई करना एंड जो प्राइस पूल अपने घर लेके जाना काफी इजी बन जाता है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट हर मैच में उनका नेक्स्ट लेवल गेम प्ले देखने को मिल रहा है। किसी का नाम नहीं लेना आरएनटी के प्लेयर्स को पर ओके स्क्वाड 19 के प्लेयर्स का स्पॉट आउट कर लिया, स्क्वाड 19 के प्लेयर्स को पर मे बी क्लोजिंग करते हुए दिखा देंगे, बट स्टिल स्क्वाड 19 के प्लेयर्स का किल अभी के लिए कंफर्म करना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इंपॉसिबल उनके लिए रहने वाला है। ओके एंकोर के में टॉप डॉग का किल कंफर्म कर लिया, पैराडॉक्स ओके एंड एंकोर आर लास्ट के तीन प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम स्क्वाड 19 के शेरोइन एंड प्रेडिक्शन गॉड के ऊपर अभी क्या एक और ग्रेनेड करते हुए दिखाई दे रहा है, एंकोर ओ आया एंड पैराडॉक्स तीनों के तीनों प्लेयर्स विल ट्राई टू एलिमिनेट द एनिमी राइट नाउ, बट बिफोर दैट एंकोर ओ आया 10 एंड पैराडॉक्स को हल्का फुल्का अभी क्या फॉल बैक करना पड़ेगा, एंड फॉल बैक करने के बाद ही दे विल ट्राई कि कैसे ना कैसे प्लेयर दोबारा कम बैक करने का मैं ट्राई करते हुए दिखा रहा है, बट ऑन दी रन एंकोर ने अभी क्या स्क्वाड 19 के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर लिया है, जहां गॉड अपना किल कंफर्म करने का मैं ट्राई करते हुए दिखाई देंगे, दिखाई देंगे एंड अगेन दे विल ट्राई देयर बेस्ट, बट बिफोर दैट स्क्वाड 19 के शेरोन एंड प्रेडिक्शन गॉड वर्सेस आरएनटी के प्लेयर्स के टीम में जरूर 4-4 का क्लैश बनता हुआ दिखा रहा है, बट शेरोन एंड प्रेडिक्शन गॉड को अकेले ही एक डुओ वर्सेस ट्रायो क्लैश एंड एनिमीज के अगेंस्ट एंड ऑन देयर एंड शेरोन इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 80 HP के साथ एज यू कैन सी एनिमीज के ऊपर एंड क्लोजिंग करने का मैं ट्राई जरूर करते हुए दिखा देंगे, एंड शेरोन रुकने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है, बट आरएनटी के प्लेयर्स ने शेरोन को डाउन किया, शेरोन का किल कंफर्म करते हुए दिखा देंगे, एंड प्रेडिक्शन गॉड को भी स्क्वाड 24 डीएमसी के प्लेयर्स ने इजीली एलिमिनेट करा, एंड उनकी जो पूरी की पूरी स्क्वाड हमें काफी ज्यादा अर्ली स्टेज पे एलिमिनेट होते हुए दिखा रहे, टॉप 14 टीम्स एंड 43 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव राइट नाउ, एंड लेट्स सी कौन सी टीम होती है जो अपने नाम पर अभी क्लाउ हुए ना चिकन ना लेके जाते, दैट इज वन ऑफ द रियली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंकोर को डाउन कर दिया ओ आया 10 एंड पैराडॉक्स आर लास्ट के दो प्लेयर्स सर्वाइविंग ऑफ द टीम, एंड डीएमसी वर्सेस अभी क्लाउ आरएनटी के प्लेयर्स के पॉइंट अभी भी हमें अभी क्लाउ देखने को मिल रही है, एंड आरएनटी स्पोर्ट्स के एंकोर इज ऑलरेडी डाउन राइट नाउ, ओ आया 10 एंड पैराडॉक्स को अकेले ही एक सिंगल हैंड डुओ वर्सेस स्क्वाड क्लच एंड एनिमीज के अगेंस्ट, एंड लेट्स सी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बैक टू बैक ग्रेनेड्स एंड बैक टू बैक अब क्या हमें मॉलोटोव एंड थ्रोबल्स का यूज करते हुए दिखा दे रहा है, बट स्टिल चाहकर भी एनिमीज को बिकना प्रॉपरली डाउन नहीं कर पा रहे हैं, एंड किल्स कंफर्म करना तो मतलब काफी ज्यादा उनके लिए मुश्किल भरी चीज रह सकता है, बट गाइस ओके ऑन द अदर हैंड एज यू कैन ऑलवेज सी ओयाया को डाउन करता है, पैराडॉक्स इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ टीम, पैराडॉक्स को बिकला के लिए एक सिंगल हैंडेडली क्लच करना पड़ेगा एनिमीज के अगेंस्ट, एंड जो सिंगल हैंडेडली सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच रहेगा उनके लिए बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल रह सकता, बट स्टिल दे विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ, हल्का फुल्का बिकले मैं रोटेशन करते हुए दिखा देंगे, उनकी जो रोटेशन है वो बिकले मैं बिल्कुल स्टार्ट होते हुए दिखा देंगे, नाउ पैराडॉक्स की नजर अब डीएमसी के प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल रहेगा, नाउ पैराडॉक्स विल ट्राई डीएमसी के प्लेयर्स को कैसे ना कैसे करके एलिमिनेट करने के, बट स्टिल डीएमसी के प्लेयर्स को इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा एलिमिनेट करना, एंड ऑन दी अदर हैंड पैराडॉक्स ने निकला ओके वेस्टर्न साइड से फॉल बैक करना भी अभी क्या बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, फॉल बैक करेंगे एंड फॉल बैक करने के बाद ही जो अपने आज किल्स हमें कन्फर्म जरूर करते हुए दिखा दे सकता, बट बिफोर दैट पैराडॉक्स आर ओके पैराडॉक्स इज हेडिंग टूवर्ड्स अबिट नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ दिस हल्का फुल्का आई थिंक सो अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पे रोटेशन करनी स्टार्ट कर दिया, एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पे रोटेशन करने के बाद ही दे विल अगेन ट्राई टू डू अ कमबैक, बट इतना ज्यादा उनके लिए इजी नहीं रहेगा, तो जो लोकेशन है वो अभी क्लाइंट पहले से ही रिवील हो रखा है, अपने पैराडॉक्स को आरपीजी के प्लेयर्स ने अभी क्लाइंट इजीली एलिमिनेट कर दिया, एंड आरपीजी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बाद बैक टू बैक कल सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं।
RPG sports see Gonny X is down right now. Dreams is the last player surviving of the man. Dreams is down with only 50 HP health right now, but still Dreams ने fall back कर लिया है. Health अपनी recover करना start कर दे. Healings without utilities clutch करना and enemies को down करना एक बहुत ही ज़्यादा next impossible रह सकता है. गाइस ऑन दी रन आरपीजी स्पोर्ट्स के ड्रीम्स के ऊपर डीएमसी स्पोर्ट्स के तीनों प्लेयर्स अभी के एक साथ क्लोजिंग करते हुए दिखा दिया. हमके अकेले ही उनके लिए क्लच करना एंड अकेले एनिमीज के साथ फाइट लेना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इंपॉसिबल रह सकता, बट स्टिल ही विल ट्राई हिज बेस्ट राइट नाउ. बट बिफोर दैट एज यू कैन ऑलरेडी सी ड्रीम्स इज डाउन विद 40 HP के साथ एनिमीज को अभी इजीली स्पॉट आउट कर ले. एनिमीज के ऊपर आई थिंक सो मैं क्लोजिंग भी करते हुए दिखा देंगे, बट स्टिल ड्रीम्स के लिए अभी के लिए ओपन में निकलना एंड फाइट लेना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल रह सकता है. And guys, the fight has been already initiated. RPG Sports के प्लस ने and DMC के प्लस ने अपने kills भी confirm कर लिया. 9 kills और 9 finishes हासिल कर लिया DMC के प्लस ने. Void अपने एक प्लेयर Void की casualty जरूर देनी पड़ गई है, बट स्टिल एक प्लेयर की casualty के रिटर्न में total 9 kills हासिल कर लिया. टॉप 9 टीम्स एंड 28 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव राइट नाउ. अब के पुचिंग की में आई थिंक हमारे जरूर फाइट इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है. रेड स्पोर्ट्स वर्सेस स्क्वाड नंबर 17 के प्लेयर्स के बीच गाइस जो अभी स्प्रे डाउन करने के दोनों टीम्स आर ट्राइंग, बट स्टिल अभी कहते हैं रेडी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के पास एक प्लेयर डिसएडवांटेज रहेगा एंड लेट्स सी प्लेयर डिसएडवांटेज होने के बावजूद इस फाइट को अपने नाम पे लेके जा पाते कि नहीं. दैट इज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ. डेनी ने स्लैमिंग कर दिया स्क्वाड नंबर 17 के प्लेयर्स के ऊपर. स्क्वाड नंबर 17 के प्लेयर्स ने बताते हैं डेनी को स्पॉट आउट कर लिया एंड आज यू कंसीडर करते हैं ओके गाइस स्टिल दे विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ. Guys on the run, Shinigami is already down and Danny OP is the last player surviving. Last time Danny OP got Krishna, Wahoo bro and Rolex ka bug. Unfortunately Danny OP ko unfortunately backstab ki tarah 30 HP down kar diya and Danny OP ke liye 30 HP health pe hi ek clutch karna and enemy ke saath fight lena bahut hi zyada next time possible raha tha. Danny ke upar main directly closing karte hue dikha denge squad 17 ke Krishna, Wahoo bro and Rolex and ke Danny OP ke liye akele hi clutch karna and enemy ko down karna. Okay, Danny ne aaj ganti ba and Rolex dono ko down kiya. Krishna is the last player surviving and as you can see Krishna sirf aur sirf 30 HP down rahenge and we kehte hain Danny ko okay. Danny apne kill se confirm karte hue dikha diya and Krishna versus Danny, it's gonna be a one versus one scenario. Krishna ne apni health kit apna pop out kar liya and health kit pop out karne ke baad they will try, but still guys ka Danny ke liye fight karna and Danny ke liye abhi ke liye clutch karna bahut hi zyada next time possible reh sakta hai and abhi ke liye Danny rukne walon mein se bilkul hai. Wo abhi ke liye main Krishna ko chase down karte hue dikhai de rahe and now Danny is down with only 40 HP health right now, but still Danny will head towards a bit southern side of the zone and Krishna okay. Krishna is heading directly towards the southern eastern side of Klima, continuously southern eastern side pe rotation karte hue dikhai de raha, but unki jo west hai wo bhi Klima kaafi zyada hamare damage hote hue dikhai de rahi hai.
And guys, okay, on the other hand, as you can see, Krishna, Krishna is down with only and only 80 HP health right now. Krishna ने अपने southern eastern side से fall back अपने थोड़ा बात ना करना start कर दिया. Top 9 teams and 25 players अभी के लिए live रहेंगे, but still Krishna ने अपनी bike निकाली and Krishna भी कहते हैं मैं काफी ज़्यादा एक तेज speed के साथ eastern side पर अभी के लिए shrink in rotation करते हुए दिखाई दिए ना. Sexa ने as you can see Danny OP को down कर दिया. Danny OP को down करने के बाद Sexa will try to confirm his kill. Echo YT is already down right now and okay, squad number 22 के प्लस अपने टीममेट्स को तो इजीली के रिवाइवल दे देंगे एंड ईच एंड एवरी टीम इज रोटेटिंग देमसेल्फ टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द जोन. एंड गाइस ऑन द अदर हैंड प्ले करते रॉयल ईस्पोर्ट्स. रॉयल ईस्पोर्ट्स के प्लस का काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव गेम प्ले मैं ईच एंड एवरी मैच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है. लेट्स सी रॉयल ईस्पोर्ट्स के इस वाले मैच में उनका कैसा गेम प्ले रहता है ये अभी के लिए देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. रॉयल ईस्पोर्ट्स के प्लस को फोर्थ जोन अभी का श्रिंकिन हमें जरूर करता हुआ दिखाई देगा. फोर्थ जोन श्रिंकिन करते ही रोटेशनल फाइट्स एंड कंपाउंड क्लैशेज में काफ़ी ज़्यादा जल्दी टीम्स के बीच बनते हुए दिखाई देने आ गया. रॉयल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स का तो रॉयल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की नज़रें भी सदर्न वेस्टर्न साइड के ऊपर आज कैन सी थोड़ी बहुत ना जरूर रहेगी. जो फोर्थ जोन हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग तो जो जोन की श्रिंकिंग स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हमारे इनिशिएट होते हुए इंक्रीज होते हुए दिखा रही है. राज राज को अपना स्पॉट आउट किया. राज को डाउन करने की ट्राई जरूर करी जाएंगे. स्प्रे डाउन करना ओके स्प्रे डाउन करने की ट्राई जरूर करें बट अनफॉर्चुनेटली अपनी टीम के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे. नाउ रॉयल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की जो लोकेशन है वो भी हमारा बिल्कुल रिवील होते हुए दिखाई दे रही है. Top 7 teams and 21 players are still alive right now. And Royal Esports के players भी I think सभी के लिए थोड़ा बहुत हमें southern side से rotation करते हुए दिखाई देंगे. And southern side से rotation करने के बाद ही they will try to eliminate the enemies. And Royal Esports के players का they are holding players advantage. But players advantage hold करने के बाद भी कुछ भी benefit निकल के नहीं आ रहा है. क्योंकि वो बिल्कुल भी enemies के साथ fight नहीं ले पा रहे हैं ना ही enemies को down कर पा रहे हैं. तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा रहने वाला है. दोबारा फाइट है वो काफी ज्यादा जल्दी इंक्रीज होते हुए दिखा देंगे. राज एंड अभी दोनों के किल्स कंफर्म कर लिया. सिक्स एंड एको वाईटी आर लास्ट के दो प्लेयर्स सर्वाइविंग ऑफ द टीम. टॉप 7 टीम्स एंड 19 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव राइट नाउ एंड स्क्वाड नंबर 22 के प्लेयर्स आर हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द जोन एंड स्क्वाड नंबर 22 वर्सेस स्क्वाड नंबर ओके स्क्वाड नंबर 20 के निंजा 4. निंजा 4 की बात करें तो क्रिमिनल ओपी एंड निंजा 4 ने स्पॉट आउट जरूर कर लिया बट अब के एका ओके एका वाईटी को इजीली डाउन कर दिया. एको वाईटी इज ऑलरेडी डाउन राइट नाउ. सिक्सा सिक्सा इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम राइट नाउ एंड सिक्सा ने क्लास स्पॉट आउट के लिए आदित्य को. आदित्य इज डाउन 30 एचपी राइट नाउ. सरकार को डाउन कर दिया. सिक्सा ने 1 एचपी एंड फाइनली सिक्सा ने अपनी टीम के लिए एंट्री फ्रैक कर दिया. स्क्वाड के रेज गॉड को डाउन करने की ट्राई जरूर करिएगा बट एचएचई स्पोर्ट्स के रेज गॉड ने इजीली अपने किल कंफर्म कर लिया. टॉप 6 टीम्स एंड 17 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव राइट नाउ. रेज गॉड एंड आदित्य की जो नजर है वो अभी क्लाइनिंग इसके ऊपर
बिल्कुल रहने वाले, बट लेट्स सी एनिमीज को डाउन करना एंड एनिमीज को एलिमिनेट करना उनके लिए कितना ज़्यादा ईजी रहता है। आई डोंट थिंक सो दैट जाना भी दैट ईजी एंड दैट सिंपल फॉर देम, का जो उनकी लोकेशन है वो अभी क्लां पहले से ही रिवील अभी क्लना होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड रिवील्ड लोकेशन के बाद एक क्लच करना बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल बन जाता है फॉर ईच एंड एवरी टीम, बट स्टिल ईच एंड एवरी टीम आर ट्राइंग फॉर देयर बेस्ट। एंड उनके रोटेशनल फाइट्स एंड कंपाउंड क्लैशेज भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हमारे टीम्स के बीच इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके ऑन दिया रेज गॉड को क्या थर्ड पार्टी का जरूर सामना करना पड़ रहा है। अपने थर्ड पार्टी होने के बावजूद अपने रेज गॉड को एनिमीज को डाउन कर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि एनिमीज को डाउन करना तो दूर की बात है, वो अभी तक हम बिल्कुल फायरिंग करके उनको एक बुलेट तक कनेक्ट नहीं करवा पा रहे। तो जो स्प्रे कनेक्शन है वो अभी आप बिल्कुल भी परफेक्ट अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिल रहा, बट गाइस ऑन दिया दैन दे हैव स्टार्टेड रोटेटिंग देमसेल्फ कज के जोन काफी ज्यादा जल्दी हमारा श्रिंकिंग करता हुआ दिखा देगा। एंड आदित्य इज डाउन राइट नाउ, सरकार एंड रेज गॉड आर लास्ट के दो प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम, उनके लिए रेज गॉड एंड सरकार विल ट्राई देयर बेस्ट। एंड ओके निंजा फोर को इजिली स्पॉट आउट कर लिया HHE स्पोर्ट्स के रेज गॉड सरकार एंड आदित्य ने, बट स्टिल स्क्वाड ऑफ 3 HHE स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के लिए अकेली फाइट लेना एंड एनिमीज को डाउन करना आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा इजी रहेगा। किलर ने DMC स्पोर्ट्स के रेन को डाउन कर दिया है, DMC स्पोर्ट्स के रेन को डाउन करके रेन का किल कंफर्म करने का मैं ट्राई करते हुए दिखाई देंगे। स्लीप एंड साइको लास्ट के दो प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम, एंड साइको एंड स्लीप आई थिंक सो मच सदर वेस्टर्न साइड पे रोटेशन करते हुए दिखा देंगे, बट बिफोर दैट अपने टीममेट अपने रेन को रिवाइवल देना है स्क्वाड नंबर 24 लॉन को स्पॉट आउट करा एंड अपने रनिंग व्हीकल में हेडशॉट कनेक्ट करने का ट्राई जरूर करी, बट स्टिल सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही बुलेट उनको कनेक्ट हो पाई एंड अनफॉर्चुनेटली खुद को नॉकआउट जरूर करवा लिया है। एंड अपने टीममेट्स को अपना रिवाइवल देने के लिए हमें जरूर जरूर जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेट्स सी रिवाइवल देना उनके लिए कितना ज्यादा ईजी रहता है। रिवाइवल देने के बाद दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि कैसे ना कैसे करके एनिमीज को अपने एलिमिनेट कर दिया जाए, लेट्स सी एनिमीज को एलिमिनेट कर पाते हैं निकल जो प्रेशर है एंड जो उनकी लोकेशन है वो भी अभी पहले से ही रिवील हो रखा है। रिवील्ड लोकेशन के बाद भी दे आर फाइटिंग एंड कहते हैं साइको साइको ने स्क्वाड नंबर ओके स्क्वाड नंबर 3 HHE स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को इजीली स्पॉट आउट कर लिया एंड HHE स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को आई थिंक हमारा क्लोजिंग करते हुए दिखा जा सकता है। HHE स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को बड़ा क्लोजिंग करने के बाद ही दे विल ट्राई टू कंफर्म देयर किल, बट बिफोर दैट देयर लोकेशन इज ऑलरेडी रिवील्ड राइट नाउ, बट गाइस ऑन दी अदर द फाइट हैज बीन ऑलरेडी इनिशिएटेड, हमारे डायरेक्टली क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे एनिमीज के ऊपर एंड क्लोजिंग करने के बाद ही दे विल ट्राई टू कंफर्म देयर किल, बट बिफोर दैट साइको इज डाउन विद ओनली एंड ओनली 5 HP विदाउट हीलिंग्स विदाउट यूटिलिटीज एंड विदाउट एज यू कैन सी विदाउट हीलिंग्स एंड विदाउट यूटिलिटीज के साथ फाइट लेना एंड एनिमीज को डाउन करना एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इम्पॉसिबल बन जाते हैं। तो लेट्स सी स्टिल दे विल ट्राई देयर बेस्ट राइट नाउ एंड गाइस ऑन द अदर हैंड एज यू कैन ऑलरेडी सी द फाइट हैज बीन इनिशिएटेड बिटवीन ईच एंड एवरी टीम। स्लीप इज डाउन राइट नाउ, साइको इज गिविंग अ रिवाइवल टू हिज टीममेट, अपने टीममेट का रिवाइवल देते हुए दिखाई देना एंड ब्लिट्स के प्लेयर आर आल्सो हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द जोन, डायरेक्टली अभी का वेस्टर्न साइड पे रोटेशन करते हुए दिखाई दे रहा है, बट अपना स्क्वाड ऑफ 24 के साइको एंड स्लीप ने किलर को स्पॉट आउट कर लिया। किलर ने आज कंसी कृष्णा ने स्क्वाड नंबर 24 के स्लीप को डाउन कर दिया। साइको इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ टीम ब्लिट्स ईस्पोर्ट्स के किलर ने साइको एंड किलर बोथ ऑफ देम आर डाउन विद ओनली एंड ओनली 50 HP, बट स्टिल 50 HP हेल्थ के साथ हम क्लच करते हुए दिखाई देंगे एंड साइको रुकना ओके साइको के परफेक्ट ग्रेनेड के द्वारा ब्लिट्स ईस्पोर्ट्स के किलर को भी डाउन किया एंड ब्लिट्स ईस्पोर्ट्स के फॉरलॉन एंड RNOP आर लास्ट के दो प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ द टीम, बट दैट ग्रेनेड वाज अ हेल ऑफ अ सिचुएशन टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से नॉकआउट्स निकाले एंड नॉकआउट्स निकाल के अपने किल्स भी कंफर्म करते हुए दिखाई देना एंड ही इज रियली रियली अनस्टॉपेबल राइट नाउ, रुकने का नाम नहीं लेना है, बैक टू बैक किल्स एंड बैक टू बैक फिनिशेस निकालते हुए दिखा देंगे। रेज गॉड को प्ले जोन के द्वारा डाउन कर दिया जाएगा, आदित्य इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग ऑफ टीम, कृष्णा को डाउन कर दिया, कृष्णा का किल कंफर्म कर आदित्य, ओके एज यू कैन सी नाउ इट्स ओनली एंड ओनली टीम टॉप 4 टीम्स एंड 7 प्लेयर्स आर अलाइव राइट नाउ। आदित्य ने स्क्वाड नंबर 21 के फॉरलॉन को अभी क्लाइंट इजीली स्पॉट आउट कर लिया, बट स्टिल फॉरलॉन को एलिमिनेट करना आदित्य के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल भरा जरूर रह सकता, बट स्टिल आदित्य विल ट्राई टू रोटेट हिमसेल्फ, अब क्लियर हमें ईस्टर्न साइड पे रोटेशन करते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। स्क्वाड नंबर 18 BIE स्पोर्ट्स की स्क्वाड
बट स्टिल स्क्वाड अलाइव होने के बाद बीबीआई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के पास सिर्फ और सिर्फ दो किल रहेंगे. सो इट्स दी फाइनल एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी किल्स निकालने के एंड से अपने टीम के नाम है किल्स निकाल पाते हैं कि नहीं अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ रहने वाली है. बट स्टिल ऑन दी अदर हैंड ईच एंड एवरी टीम हैव स्टार्टेड रोटेटिंग देमसेल्फ. रोटेशनल फाइट्स वहाँ बिल्कुल टीम्स के बीच इनिशिएट होते हुए दिखा देंगे एंड रोटेशंस करने के बाद ही टीम्स विल ट्राई. बट गाइस बिफोर दैट द विनर विनर चेट सुपर सुपर डोमिनेटिंग अग्रेसिव एंड कमेंडेबल गेम पे दिखाते हैं बी आई स्पोर्ट्स के प्लस ने चार किल्स एंड चार फिनिशेस के साथ विनर विनर चेट अपने नाम कर लिया. एच एच ई स्पोर्ट्स के प्लस विद ओवर एंड ओवर 11 किल्स के साथ सेकंड पोजीशन पे एलिमिनेट हुए एंड Blitz Esports and बाकी सारे टीम्स अब किल पॉइंट्स एंड इवन पोजीशन पॉइंट्स भी बिल्कुल देख सकते हैं. सो इस आज के जो हमारे ग्रैंड फाइनल्स डे वन के सारे मैचेस आपने स्पेक्टेट कर ले तो गाइस मिलते हैं आपसे विकलांग डे टू के मैचेस में जो आपको विकलांग सेम टाइमिंग से कल देखने को मिलेंगे. टिल देन बाय.